हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है पबजी मोबाइल वीरागो कप गर्ल्स टूर्नामेंट फॉर। हम यहाँ पे आ चुके हैं विद अ फाइनल डे वन के बाद, यहाँ पर ग्रैंड फाइनल जो कि हमारा होने वाला है वीरागो कप के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो गर्ल्स विल बी फाइटिंग फॉर द कप जो कि है गर्ल्स टूर्नामेंट का। वीरागो कप का बात करें तो विच इज ऑर्गेनाइज DAW एंड कास्टेड बाय थीम गॉड। यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर अगर बात कर आज के हमारे डे वन का मैच नंबर 1-4 मैच है। आप विल प्लेड ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी डैट आवाज आ रही है कि नहीं। मैं थोड़ा लंच कर रहा था अभी, लंच किया मैंने एकदम। बट बात कर लेते हैं टीम्स के, यहाँ पर ऑलमोस्ट 21 टीम्स विल बी देयर फॉर दिस मैच। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्ट्रीम, ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम टू स्ट्रीम। यहाँ पे टीम 21 विल बी फाइटिंग फॉर द फर्स्ट मैच। अब बात करें पहले मैच पे रैंगल का मैप पे 4 मैचेस विल बी प्लेड, बैक टू बैक 4 मैचेस विल बी प्लेड यहाँ। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा लंच कर रहा था इसलिए मैं थोड़ा लेट आया, मतलब स्ट्रीम पे तो था मैं बट लेट बोला। बट यहाँ पर टीम 2 की स्क्वाड की बात कर रहे हैं, टीम 2 जो कि हमारी आज क्या होती है गॉडेस गर्ल्स का स्क्वाड रहने वाला है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 फीमेल स्क्वाड है, 21 टीम्स, 82 प्लेयर्स विल बी फाइटिंग फॉर द चिकन इरा इन दिस फर्स्ट मैच ऑफ योर फाइनल। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे टीम्स यहाँ से चिकन इरा करते, एक बार मैप पर नजर डाले तो मैप जॉर्डन सिटी के साइड एकदम यहाँ पर बात की जोन फेवर करते दिख रहा है इस टाइम पर। एंड टीम्स यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर बात करें तो ड्रॉप लेते हुए दिखे। यहाँ पर कहीं ना कहीं बात के टीम 4 के स्क्वाड की बात के यूनाइटेड एस गर्ल्स के स्क्वाड की अगर देखा जाए तो 3 फीमेल स्क्वाड है। पोजिश टीम की अगर बात के डाउन नैन्सी पहला नॉक डाउन की तरफ से, यहाँ पर देखिए अगर डाउन गर्ल्स के स्क्वाड यहाँ पर नॉक देंगे इस टाइम पर। एंड टीम डाउन की बात करें नैन्सी की तरफ से एक नॉक डाउन देखने मिलेगा इस टाइम पर। काफ़ी अच्छी टीम्स यहाँ पर नजर आएगी। टीम नंबर 13 के स्क्वाड की बात करें यहाँ पर 13 के टीम्स यहाँ पर नॉक डाउन करते हैं। टीम 22 का स्क्वाड यहाँ पर उनको कन्फर्म करने को सके। टीम 21-22 के स्क्वाड की बात करें उनके पास कोई भी गन नहीं है, तो काफ़ी अच्छा स्कैन यहाँ पर देखने मिला। एंड फाइनली यहाँ पर एक डाउन करेंगे प्लेयर, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैच है फिश करके हेलमेट करते दिखेंगे। फ्यूचर ओपी यहां से कंफर्म हो चुकी है।
टीम 22 के स्क्वाड के बाद के टीम 22 भी यहां से एक प्लेयर कंफर्म कर चुके हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीम 22 विद वन किल से एक प्लेयर डाउन रही है। आरसी कंफर्म हो चुके हैं बाज के स्क्वाड यहां पे काफी अच्छी फाइट टीम 6 की तरफ से देखने, बट टीम 6 के दो प्लेयर यहां पे डाउन हो गए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीम 13 वो भी फाइनली एलिमिनेटिंग टीम नंबर 22 और टीम 22 के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं। डाउन की टीम यहां पे काफी अच्छा एलिमिनेशन दे चुके हैं। बट यहाँ पर नैन्सी की बात करें, नैन्सी विद वन किल्स यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश करें। टीम नंबर 6 के स्क्वाड के बाद के टीम 6 के यहाँ पर एक प्लेयर डाउन होते दिखने इस टाइम पर, बट देखते हैं कैसे टीम परफॉर्म करते हैं उस मैच में, किस तरह से यहाँ पर टीम 6 का स्क्वाड आते दिखा। टीम 6 की बात के बाज आशी या ब्रो बाज आशी, बट फाइनली सी हैज बीन एलिमिनेटेड फॉर यर एंड टीम के स्क्वाड के बाद के टीम्स की बात करें आई थिंक वो एलिमिनेट हुए, अभी तक टीम्स एलिमिनेट नहीं हुए। बट यहाँ पर देखते हैं ओनली 3 या ब्रो टीम 21 विद 4 फीमेल स्क्वाड है, वैनम की स्क्वाड 4 फीमेल स्क्वाड है। डाउ के स्क्वाड की हम बात करें, डाउ का स्क्वाड की अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छे फाइट देखने मिले उनकी तरफ से, काफी अच्छे फाइट एक प्लेयर कंफर्म भी हो चुके उनके, बट नैन्सी एक प्लेयर को कंफर्म करें इस टाइम पे, बट काफी अच्छे फाइट इस टाइम पर देखने को मिले। इस टाइम पर वॉट अ मैच बाय दिस टीम, वॉट अ परफॉर्मेंस बाय द टीम, टोटल 4 किल के साथ यहाँ पर रहेंगे। बट स्टिल नैन्सी विद 2 किल्स या पूजा ओपी विद 2 किल्स या एंड सिया की बात करें सिया विद 0 किल, बट फ्यूचर ओपी जो कि लॉबी में जाते दिखेंगे इस मैच में। बट पहला मैच है अभी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मैचेस आर लेफ्ट फॉर डे 1। यहाँ पर देखा जाए तो अगर बात करें तो आपको बता दीजिए तो ये फाइनल ग्रैंड फाइनल जो कि खेला जा रहा है, क्वालिफाइड राउंड खत्म हो चुके हैं, 4 दिन लगभग 4 to 5 दिन यहाँ पर चले थे। बट यहाँ पे काफी प्यारा मैच यहाँ पर देखने में, टीम 22 का स्क्वाड की बात करें, टीम 22 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा सिंगल 2 फीमेल स्क्वाड रहेगा सर्वाइव करते हुए। लेकिन इस टाइम वैनम के स्क्वाड की बात करें, वैनम का स्क्वाड गाइस इतना ज़्यादा स्कैम मत करो अभी। एंड टीम 21 जो कि वैनम का स्क्वाड है, फिलहाल देखा जाए तो एक तो यहाँ पे कंफर्म होते दिखेंगे इस टाइम पर वैनम के स्क्वाड के। फिलहाल देखते हैं टीम 21 का स्क्वाड 4 फीमेल स्क्वाड इधर, बट देखते एक पे कंफर्म होते दिखे इस टाइम पर बाइक के थ्रू यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, इस तरह से फॉल बैक करने की कोशिश करें। यहाँ पे स्पार्कल हो 47 यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बट देखते हैं ऐसा किस तरह से परफॉर्मेंस करते दिखेंगे, प्लस किस तरह से अपना गेम यहाँ से दिखाते दिखेंगे। लीफी की बात करें, लीफी विद एकेमिया, बट देखते हैं टीम्स कैसे किल्स निकालते हैं इस मैच में। काफी प्यारा मैच है, काफी इंपॉर्टेंट मैच है सभी टीम से, क्योंकि ग्रैंड फाइनल मैच है, डे 1 है, मैच नंबर 1 है। यहाँ पे सभी टीम्स अगर बात करें टॉप 22 टीम्स जो आई थिंक टॉप 20 और 22 टीम्स ने जो क्वालिफाई किया है इस फाइट में फाइट लेते हुए दिखेंगे। एंड काफी प्यारा मैच देखने को मिल सकता है इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सर्कल में किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा टीम्स के, किस तरह से टीम्स कितनी टीम सर्वाइव करेंगे लास्ट मैच पे वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कास्टर को चैट पढ़ने में प्रॉब्लम होगा ब्रो, चैट पढ़ने में तो होगा ही, बट इतने ज़्यादा स्कैम मत करो एक साथ। बट जो भी है, ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्ट्रीम, ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्ट्रीम, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव 1 लाख टू स्ट्रीम गाइस, 1 लाख ठोक दो प्यारा सा स्ट्रीम को, लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नहीं हो, लाइक अगर आप लोग नहीं हो स्ट्रीम में तो डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, डाउ गेमिंग को सब्सक्राइब करो फटाफट से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे गॉड गेमिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, लिंक में जाओ फटाफट सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम गाइस, इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, फॉलोअर बढ़ाओ यहाँ, फॉलोअर बढ़ाओ यार, कहाँ रुके हुए, किसके लिए रुके हुए। बट टीम 21 है, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से टीम परफॉर्म करती है, काफी इंटरेस्टिंग मैच है, काफी इंपॉर्टेंट मैच सभी टीम के लिए। एंड 16 की वॉचिंग आज के दिन पहली हाइस्ट वॉचिंग यहाँ पे डाउ गेमिंग की, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट सबके लिए, अप्रिशिएशन है गाइस, 3 क्लैप्स बजा सकते अपने के लिए एंड 3 क्लैप्स फॉर यू ऑल गाइस। बट काफी इंपॉर्टेंट मैच हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो जो जीतेगा वो ओपी ब्रो, सुदेश ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम। बट देखते हैं गाइस कौन सा टीम चिकन करते हैं, मैप पर नजर डाले तो काफी बिक्री टीम से बन रही, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आज हमें फेस करनी पड़ेगी इस टाइम पे। बट यूकेएस गर्ल्स ओपी है ब्रो, डिप्रेशन यहाँ पे यूकेएस तरफ सपोर्ट यहाँ पे आ चुके हैं, सपोर्टर आ चुके हैं। बट टीम 15 की बात कर ले, टीम 15 जो कि हमारे ब्लड ऑन क्राउन का स्क्वाड है, यहाँ पे देखा जाए तो कैसे टीम परफॉर्म करती है गाइस। ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्ट्रीम, आप सबका स्वागत है लाइव स्ट्रीम में, लाइव हमारे साथ विद फाइनल ग्रैंड फाइनल जो कि विरागो कप का, यहाँ पर 2 डेज फाइनल खेल जाएंगे, 2 डेज में 2 दिन फाइनल खेल जाएंगे। डे 1 का यहाँ पर मैच नंबर 1, टोटल 4 मैचेस विल बी प्लेड इन ईच डेज अगर बता दीजिए आपको। बट देखते हुए एक बार शुरू से अगर नजर डालते हैं, सभी टीम से नजर डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टीम 2 की बात कर ले, गॉडेस गर्ल का स्कॉर जी के जो कि टेबल टॉपर का स्कॉर था, बट टीम 22 का स्कॉर यहाँ पे काफी क्लोज नेट जाएगा, यहाँ पे काफी प्यारा इंपॉर्टेंट नेट था यहाँ पे। एंड फाइनली एक डॉग रन यहाँ पे देखने मिलेगा, उनको कंफर्मेशन देखने मिलेगा, फिलहाल कंफर्म भी कर चुके टीम 22 का स्कॉर का कंफर्मेशन हो चुका यहाँ से। बट काफी इंपॉर्टेंट मैच 19 की वॉचिंग गाइस, व्हाट आर वॉचिंग गाइस, व्हाट आर यू डूइंग गाइस,
इतना ज़्यादा स्कैम मत करो, बस आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट मैच है, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूकेएस गर्ल्स ओपी के बाद की टीम 14 के ऊपर नजर डाल रही थी, टीम 14 जिनके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बट देखते हैं 4 फीमेल स्क्वाड से लूट करते दिखेंगे, अभी काफ़ी सेफ खेलते दिखेंगे, कंपाउंड्स के अंदर लूट करते दिखेंगे प्लेयर्स यहाँ पे, बट देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट इनके लिए मैच है, उतना इंपॉर्टेंट सभी टीम के लिए मैच है, बट देखते हैं कौन सी टीम चिकन डिनर पहले मैच में ग्रैंड फाइनल के स्टेज में कट्टी दिखने वाली इस टाइम पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैच सभी हो सकता है इस टाइम पे, सभी टीम्स को ये टूर्नामेंट जीतना है और कुछ भी वो इस चीज के लिए कर सकते हैं, बट हैक ना करें यूज, वो बहुत ही ज्यादा इलीगल हो जाएगा, बट हाँ हर चीज अपनी स्किल्स सुधार सकते हो, अपनी स्किल्स नए नए स्किल्स दिखा सकते हो, अपने ग्रेनेड दिखा सकते हो जैसे आप नेड करते हो, ये सभी चीज हमें देखने मिलेगी, बट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैच है। यूनाइटेड गर्ल्स की बात कर ले, यहाँ पे एक बार सभी टीम्स को एक नजर डाल लेते हैं, आप सभी को अपनी अपनी टीम फेवरेट टीम देखने मिलेगी। टीम 3 के स्क्वाड की बात कर ले, दी मिक्स का स्क्वाड है सेकंड नंबर पे आए थे, लेकिन ब्लड की बात करें ब्लड दूसरा ही नॉकडाउन निकालेंगे इस टाइम पे, आरआईपी का स्क्वाड की भी बात करें वो भी एक नॉकडाउन निकालेंगे, ब्रचल की बात करें ब्रचल के इस टाइम पे फाइट लेंगे देखना होगा, बट यहाँ पर देखा जाए तो ब्रोल के बाद दूसरा एक नॉकडाउन करें, आरआईपी के ब्लड का नॉकडाउन करें, बट ऑलमोस्ट बात करें तो कहीं ना कहीं टीम 22 का सिंगल प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करने वाला है, वैनम का 3 फीमेल स्क्वाड सर्वाइव करने वाला, जोन क्लोज होगा इस टाइम पे, क्रूल के स्क्वाड के 4 फीमेल स्क्वाड, बीले का 4 फीमेल स्क्वाड, सिन 6 के यहाँ पर 4 फीमेल स्क्वाड सर्वाइव करने वाले, टीम ओआरबी के यहाँ पर 3 फीमेल स्क्वाड अब सर्वाइव करेगा, एक कैजुअल्टी मिल चुकी है किल के साथ यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट मैच सभी के लिए बनते थे इस टाइम पे, किल साजर टीम्स आज के मैच में अपने स्किल्स दिखाएंगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। वीएससी के स्क्वाड की बात करें, वीएससी फॉर्मेशन हियर विद 2 कैजुअल्टी विदाउट एनी गर्ल्स, यहाँ पे बात करें तो क्लेवर पांडा कंफर्म हो चुकी है, यहाँ से केलिन कंफर्म हो चुकी है, बट टीम डाउ की स्क्वाड यहाँ पे काफी क्लोज नजर आ रही है इस टाइम पे, नैन्सी अपूजो भी काफी क्लोज है, बट नैन्सी काफी क्लोज होगी टीम 6 से, एक्सओपी सुंदरबो वेलकम टू स्टीम रानो वेलकम टू स्टीम ब्रदर, और अगर जो भी आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्ट्रीम अगेन, वेलकम टू स्ट्रीम गाइस, आप लोगों का स्वागत है स्ट्रीम में। क्वालिफाइड रैंक 1 गॉडेस गर्ल्स या गॉडेस गर्ल्स यहाँ पर #1 पी थी, और परसों जो कि आपने देखा होगा, अगर आप लाइव आए होंगे तो रीमैच हुआ था, उसी रीमैच के चक्कर में उन्होंने जो चिकन लेना करा था उसी ने उनको हेल्प करी पहुंचते उन्होंने टॉप में आने की, बट काफ़ी अच्छा मैच था वो भी, कुछ रीजन के चक्कर में रीस्टार्ट हुआ था मैच, बट टीम 13 हियर स्टिल सर्वाइविंग विद 3 फीमेल स्क्वाड, बट देखते हैं टीम्स कैसे परफॉर्म करेगी। टीम 2 की स्क्वाड की बात करें, टीम 2 गूगली आज की जैसे अपनी गूगली फिराती दिखेंगे इस टाइम पे, बट देखते हैं 100 HEX ओके ब्रो, HEX को भी देखते हैं 100 एक एक करके दिखाएंगे ब्रो, इतना सारा एक साथ मत बोलो, हेक्सागन को दिखाते हैं, टीम 17 के स्क्वाड की दिखाते हैं, टीम 17 की स्क्वाड को अगर देखा जाए एक बार नजर डाले, 3 फीमेल स्क्वाड है स्टिल कंपाउंड्स के अंदर, यहाँ पे रैंगल का मैप है, तो काफ़ी अच्छा मैच है सभी टीम्स के लिए, काफ़ी अच्छा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच सभी को पसंद आता है, सभी इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बजाय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेयर मार्जो के ऊपर मैप पे थोड़ा बहुत वहाँ पे किल्स मिल जाते हैं प्लेयर्स को, बट इरांकल की बात की यहाँ पर सभी टीम्स अपने अपने प्लेयर के साथ यही खेलना चाहती है ब्रो। टीम 2 4 ब्रो वेट अ सेकंड, मुझे मैसेज पढ़ना पड़ेगा इस टाइम पे ब्रो, टीम 2 4 मेल स्क्वाड कहाँ है, टीम 2 4 मेल स्क्वाड में समझा नहीं ब्रदर। फिलहाल टीम 3 की बात कर ले, टीम 3 यहाँ पे जो कि अगर बात कर ले जो कि मैं दी मिक्स का स्क्वाड है सेकंड नंबर पे रहा था आज के मैच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच इनके लिए रहेगा अगर देखा जाए तो, स्टिल वी आर ऑस लूट करेंगे आई थिंक, अगर इनके ऊपर नजर डाले तो जोन यहाँ पे काफ़ी छोटा हो चुका है इस टाइम पे, टीम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव करी, टीम 17 काफ़ी क्लोज, टीम 22 नजर आने वाली है, टीम 14 विल बी मूविंग टू अस जोन, यहाँ पर देखना कितनी जल्दी मूविंग करते हैं इस टाइम पर देखा जाए। टीम 3 जिनकी हम बात करें जॉर्जो कंटेनर के साइड रहने वाला है, टीम 15 जॉर्जो सिटी के साइड लूट अप करेंगे, बट टीम्स वाइस चेंजर ओपी ब्रो, मैं समझा नहीं ब्रदर, बट टीम 22 के बाद के टीम 20 के काफी क्लोज नजर आएगी इस टाइम पे, एंड टीम 22 के बाद के सिंगल फीमेल स्क्वाड है वैनम ब्लड रेंज के, यहाँ पर देखना कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, 3 कैजुअल्टी की टीम को मिल चुके हैं। टीम 20 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा, टीम 20 के बाद के क्रूल का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा, टीम 22 क्रूल यूनिकॉर्न का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा, बट यहाँ पर टीम 22 के ऊपर के काफी बदल से यहाँ पर निकले थे, अगर बात करें वेडोस काफी क्लोज गए थे वहाँ पर, किस्मत की बात के लक की बात के दिस इज कॉल्ड द रियल लक, यहाँ पर इनके ऊपर से अगर गाड़ी गई है बट कोई डैमेज नहीं देखने मिला, बट दिस इज द गुड गेम फॉर हिम, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर लक ने साथ दिया एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ी इनके ऊपर से गई थी या फिर थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 5 इंच या 2 इंच के बराबर कह सकते हैं हम उनके बगल से गई थी, बट क्या किस्मत इनके लिए थी, क्या किस्मत ने इनका साथ दिया। टीम ट्वेंटी को पता ही नहीं चला, यहाँ पर 4वीं के प्लेयर्स नीचे लेटे हुए, यहाँ पे ब्लड रिंग्स के प्लेयर्स यहाँ पर नीचे लेटे हुए, बट स्टिल दे विल बी सर्वाइविंग, इनका एक प्लेयर सर्वाइव करेगा। मैनेजमेंट प्लीज टेक नोटिस ब्रो, वेट अ सेकंड,
फिलहाल टीम 14 की बात करें हम, टीम 14 जो कि हमारे यूकेस का स्क्वाड है ब्रो। व्हाट यू सेड, वेट अ सेकंड, वॉइस चेंजर ऐप कॉपी मैनेजमेंट मुझे दिखा नहीं ब्रदर, क्या आपने बोला था मुझे दिखा नहीं अभी तक, मेरे साथ मेरे उसमें आया नहीं है। बढ़िया टीम 14 और टीम 12 यहाँ पर व्हीकल 5 जो आप देखते हो कौन किसका नॉकडाउन करता है इस टाइम पे। टीम 14 के प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे, टीम 14 के स्क्वाड की बात करें टीम 12 के काफी क्लोज है, स्टिल देखना होगा इस तरह से। अब टीम 12 का स्क्वाड वहाँ पे होल्ड करेगा, टीम 12 की बात करें आरआईपी का स्क्वाड यहाँ पर फाइट लेते दिखेगा। आरआईपी की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर शाहसा काफी क्लोज है, यूकेएस के शाहसा काफी क्लोज है, एक नॉक यहाँ पर शाहसा नॉकडाउन होंगे इस टाइम पर। काफी इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर यूकेएस के लिए था, बट यहाँ पर फाइट देखने मिलेगा टीम 12 की बात करेंगे, टीम 12 स्टिल दिया। टीम 12 की बात करें किस तरह से अब कंपाउंड्स के अंदर होल्ड करना चाहेंगे, किस तरह से कंपाउंड्स के अंदर से फाइट लेते देखेंगे टीम 14 के। बाकी यूकेएस का एक प्लेयर यहां से कंफर्म होते दिखेगा, बट वहां पर शासा क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट स्टिल 3 फीमेल स्क्वाड स्टिल सर्वाइविंग, 21 टीम स्टिल सर्वाइव करते दिख रही है, 71 प्लेयर स्टिल सर्वाइव करते दिख रहे हैं। बट व्हाट अ मैच बाय दिस टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दिस टीम। स्टार्टिंग में ही काफी प्यारी मैच है, सेफ थोड़ा बहुत खेल लें तो प्रिफरेंस मिलता है यहाँ पर सेफ खेलने का, क्योंकि इनको पता है किसी भी तरह से यहाँ पे अगर जीतना ये वाला मैच, ये मैच पहला मैच जीतना, अगर टोटल 8 मैचेस विल प्लेड इन द फाइनल्स ग्रैंड फाइनल 2 डेज होंगे, 4 मैचेस इज देयर, बट अगर इनको जीतना किसी बार में तो टॉप 5 में आना पड़ेगा, सारा क्लिप पॉइंट यहाँ पे लेने पड़ेंगे। बोल हाँ कि नेक्स्ट टाइम से ओके ओके वेट अ सेकंड। फ्लैट टीम गूगली के पास चलते हैं, गूगली की तरफ से एक नॉकडाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा। टीम गॉडेस गर्ल्स के स्क्वाड की बात करें, टीम 2 का स्क्वाड यहाँ पे फाइनली एक नॉक निकाली है इस टाइम पे। एंड फाइट्स की बात करें तो टीम 2 के स्क्वाड फिलहाल यहाँ पर नजर आने वाली, टीम 17 का स्क्वाड भी यहाँ पर नजर आएगा। एक साइड यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीम 14 का स्क्वाड नजर आने वाला है, बट यहाँ पर गॉडेस गर्ल्स ओपी एकांश ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम अगेन। बट ब्रो व्हाट यू सेड मुझे एक बार देखना होगा, बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अच्छे से वेरिफिकेशन करना, बिकॉज आज ये प्राइज फुल लड़के जीत के जाएंगे, सोर्स गुप्त खबरी। ओके ओके ब्रो, बट ब्रो मैं तो सिर्फ कास्टर हूँ एज यू नो, मैनेजमेंट कौन है आपको पता ही, अच्छे से पता है, तो आप उनको अगर मैसेज करोगे प्रॉपरली, उनके साथ चैट करोगे तो इट विल बेटर रैदर देन टॉकिंग टू मी, टेलिंग टू मी। बट मैं बता दूंगा कि कुछ प्रॉब्लम है कुछ है, बट आप उनसे बात करो, डेट विल बैटर। बट टीम 17 की बात करें, टीम 17 यहाँ पर होल्ड करेंगे इस टाइम पर, बट यहाँ पर काफ़ी टीम्स यहाँ पर नजर आ रही है। टीम 3 का स्क्वाड मैं हाँ इसलिए मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ, ब्रो मैं मैनेजमेंट नहीं हूँ ब्रदर, मैं सिर्फ कास्टर हूँ इनके लिए। बट जो भी है ब्रो, फर्स्ट यू हैव टू टेल टू द मैनेजमेंट कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उन्हीं को बोलोगे वही सॉल्व करेंगे, मैं तो सिर्फ कास्टिंग करने आया हूँ, कास्टिंग करके ले जाऊँगा, बाकी थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा उसमें। बाकी मैं कहूँगा मैनेजमेंट से कि कुछ प्रॉब्लम है फॉर एटलीस्ट, देखो किसी ने लाइव स्ट्रीम में कुछ बोला है, बट या आई विल अपने तरफ से भी आप बोल देना ब्रदर, आपके तरफ से आप बोलोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे गुगली की स्कॉट की बात के गॉडेस गर्ल्स यहाँ पे फाइट देखें, गॉडेस गर्ल्स की तरफ अगर देखा जाए तो टीम 8 के स्कॉट के प्लेयर सिंचान यहाँ पे नॉकडाउन रहेंगे इस टाइम पे। टीम 8 की बात के सोनाली वाइट यहाँ से निकलते देखेंगे, बट एक प्लेयर इनका डाउन होते दिखे, कैथरीन की बात के कैथरीन यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे इस टाइम पे, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच सभी टीम के लिए। यहाँ पे क्या करने चाहिए सोनाली वाइट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया इस टाइम पे, बट यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर देखा जाए प्रियंका स्टिल दिया, बट किस तरह से परफॉर्मेंस इनका देखने को मिलेगा, पेन का स्टिल है, बस ये बता देना कि लाइव चैट में आया था एक न्यूज़ या ओके ओके ब्रदर ओके ओके। वैसे देखते हैं लाइव में अगर अभी होंगे तो देख लेंगे, बट वो देखते जरूर। लेकिन डाउ की स्क्वाड के बाद का टीम डाउ यहाँ पे गर्ल स्क्वाड डाउ का यहाँ पे एक नॉक निकालेगा नैन्सी, जो कि टोटल 2 गोल चांसे निकालते हैं, फाइट लेते देखेंगे। ऑलमोस्ट बात करें तो काफ़ी टीम्स यहाँ पे काफ़ी क्लोज आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला आज के मैच के अगर देखा तो, कास्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है इस टाइम पे। टीम नंबर 13 के बाद के टीम 13 स्टिल दिया, टीम 13 के बाद के फाइट लेते देखेंगे इनके लिए, बट कैसे फाइट लेते हैं देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता था। टीम 14 का स्क्वाड यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, बट यहाँ से M24 का स्क्वाड क्या यहाँ से देखने को मिलेगा कि नहीं यहाँ पे देखना होगा, बट यहाँ पे ओपन में थोड़ा यूकेएस का स्क्वाड की तरफ एक जरूर शॉट लिया था, बट कनेक्ट नहीं हुआ थोड़ा भी, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, बट असल थोड़ा बहुत जगह कनेक्ट करते हैं, एक हेड शॉट भी कनेक्ट करते हैं तो एक नॉकडाउन इजिली कनेक्ट हो सकता है इस टाइम पे, यूकेएस का एक नॉकडाउन हो सकता है इजिली। बट स्टिल जोन काफ़ी छोटा है, थर्ड सर्कल क्लोज हो रहा है, टीम्स काफ़ी क्लोज है और यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई आ सकती है। बट टीम 20 स्टिल दिया, टीम 20 के स्क्वाड के प्लेयर यहाँ पर रहेंगे, बट टीम 20 के स्क्वाड के बाद के टीम 20 किस तरह से इनको स्पॉट करती है, बट यहाँ पे शेक के अंदर होल्ड करेंगे टीम 20 के स्क्वाड के प्लेयर। टीम 20 के स्क्वाड के प्लेयर कहीं ना कहीं कंपाउंड सोल्व करेंगे, अभी तक मुझे लगता है टीम 20 जो एक बार यहाँ पे नॉक करने से बची थी, हेलमेट करने से बची थी, दोबारा यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे बैठे, अभी तक समझ नहीं आ रहा लड़का बोलते हैं ओके ओके ओके। बट टीम 22 यहाँ पे स्टिल काफ़ी गहरा मैच है, कितनी किस्मत इनके साथ देगी ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टिल कृतिका की कृतिका के बात करें, कृतिका स्टिल दिया, बट पीएमएक्स चार्मेक्स बीएमएक्स की बात करें स्टिल दिया, स्टिल सी है
बट वट अलग गाइस, ये कहते हैं लक, इसे कहते हैं गाइस लक, इसे कहते हैं साथ देना। अगर यहाँ से ये चिकन डिनर कर जाती सिंगल ही, तो गाइस मैं क्या बोलूँ गाइस, इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा विश्वास उड़ जाएगा स्किल से, अपनी मेहनत से मेरा विश्वास उड़ जाएगा अगर लक साथ देता है टीम कंटिन्यू हुआ। बट अभी तक सेकेंड टाइम इनका लक साथ दे रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर तक लक साथ दे सकेगा, क्योंकि एक ना एक बार अगर सेट के अंदर कोई भी प्लेयर्स आते दिखेंगे तो इजिली स्पॉट हो सकते हैं वहाँ पर टीम 20 के प्लेयर्स। और अभी तक जिस हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन है, टीम 20 ने यहाँ पे तक इनको स्पॉट नहीं करा। यहाँ पे कौन है लड़का, कौन वही कौन है लड़का वो भी बता सकते हो आप। बट यहाँ पे थोड़ा क्लोज, यहाँ पे फाइट देखने मिलेगी, यहाँ पे वन वर्सेस वन एक नॉक देखने मिले फर्स्ट टाइम पे। एंड फाइनली यहाँ पे टीम 22 एक पे नॉक निकालेंगे सब पे, और फाइनली दी सी हैज बीन एलिमिनेटेड। चार्मी भी एक्स यहाँ पे काफी देर तक इनका लक साथ दिया, बट इस बार लक साथ देते नहीं। बट अब मुझे लगता है मैं गलत था कि लक ज्यादा ही साथ देगी, बट काफी अच्छा मैच था जहाँ से वो होल्ड करके बैठे हुए थे, अलग ही वहाँ पे मैच देखने मिला हमें। टीम टू की बात करें, टीम टू स्टिल देयर सेफ फील, यूकेएस गर्ल्स ओपी डिप्रेशन, ओके ओके यूकेएस गर्ल्स ओपी, बट थ्री फीमेल स्क्वाड स्टिल सेव करें उनके लिए। एंड स्टिल बात करी जाए टीम टू की, फोर फीमेल स्क्वाड स्टिल देयर, बट देखते कैसे फाइट लेते टीम टू के स्क्वाड की बात करें। टीम टू स्टिल होल्ड करेंगे इस टाइम पे, टीम फोर का स्क्वाड की बात करते यूनाइटेड गर्ल्स का स्क्वाड आते दिखेगा यहाँ पर। टीम फोर के स्क्वाड की बात करें, टीम फोर यूनाइटेड गर्ल्स का स्क्वाड यहाँ पर रहने वाला है। बट देखते टीम फोर के स्क्वाड की बात करें, क्वीन यहाँ से थ्री फीमेल स्क्वाड जो कि आईजीएल अपनी टीम के लिए, बट यहाँ पर वैनम के स्क्वाड दो साइड नॉक डाउन करेंगे इस टाइम पर। वैनम के स्क्वाड की बात करते शिल्पा जैन बताओ ब्रो, गर्ल्स या ब्रो जो भी हो आप लोगों, मुझे नहीं पता जो भी ये लोग बने, ये मैनेजमेंट से बात करेंगे क्योंकि मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता मैं सिर्फ स्ट्रीम करने आता हूँ, मेरा कोई हाथ नहीं है इसके पीछे, तो आपको बता दें। बट वैनम के स्कॉट की बात करें, वैनम का एक बार यहाँ पे डाउन होगा, AK-47 की बात करें वो भी यहाँ से कन्फर्मेशन होते दिखेगा, उनका भी कन्फर्मेशन होते दिखेगा। आरएफ की बात करें, आरएफ यहाँ से एक नॉक निकालेंगे इस टाइम पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, काफ़ी फाइट हमें देखने मिली। ओआरबी की बात करें, टीम 16 का स्कॉट यहाँ पर रहेगा, टीम 13 के प्लेयर्स यहाँ पे रहेंगे, बट फाइट की तरह से फाइट देखने मिलेगी। टीम 5 का स्कॉट की बात करें, टीम 5 यहाँ पर टीम 13 का स्पॉट कर चुका है, एक और 19 का स्पॉट क्वीन की तरफ से, काफ़ी प्यारा नॉक डाउन इस टाइम पर देखने, बट सेकंड कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पर देखना होगा। वेफू की बात करें, वेफू स्टिल विद ए कैम स्टिल या आर ए पी एस क्यू दिखा, आर आई पी कौन से स्लॉट में बैठे है गाइज, आर आई पी गाइज आप मुझे स्लॉट बता दो यार, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होना, और वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। इतने टीम्स को इतनी टीम फाइट लेते हुए दिख रही है इस मैच में, तो अलग ही बसर देखने मिला। बट टीम 6 के बाद के वीएससी का स्कॉट यहाँ पर रहेगा, टू फीमेल स्कॉट ट्राई करेंगे। टीम 13 यहाँ पर शायद अरबाज कौन है, शाहिद अरबाज, आई डोंट नो कौन क्या है, कौन कौन है मुझे कुछ नहीं पता। बट एच बी की स्कॉट के बाद के एच बी का स्कॉट दूसरा नॉक निकाल है, कितनी टीम यार गाइज इतनी देर तक सर्वाइव करिए, इट्स अ इंपॉर्टेंट मैच और मेरा यहाँ पे भरता बनने वाला आज के मैच है। टीम 17 स्टिल सर्वाइव करिए, तो कौन कौन फाइट ले रहा है गाइज, आज तक 18 टीम स्टिल सर्वाइव करिए। यूके स्पाइरो गर्ल पहले, टीम टू की बात करें, टीम टू स्टिल जा, टीम टू के बाद लॉन्ग लॉन्ग रेंज के फाइट यहाँ पर लेते दिख रहे हैं। एच बी की बात करें, एच बी की स्कॉट की बात करें, एच बी का स्कॉट लेट सी किन की तरफ से खेलते दिख रही है यहाँ पे। एच बी यहाँ पे फिलहाल टीम 17 का स्कॉट यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं आर एफ कैट की तरफ से, यहाँ पर अगर देखा गॉडिस गर्ल के स्कॉट की तरफ से। बट आई थिंक मुझे कुछ ही किसी फाइट्स को देखना होगा, इस टाइम पर कवर करना होगा, बट देखते हैं कैसा। यहाँ पर टीम नंबर टू स्टिल दिया, टीम 14 के स्कॉट यहाँ पर रहेगा, टीम 14 के बाद के टीम 14 स्टिल दिया, यूके का स्कॉट यहाँ पे आप किस तरह से होल्ड करते दिखेगा यहाँ पे। बट थ्री फीमेल स्क्वाड स्टिल दिया, टीम 9 की बात करें, टीम 9 का स्क्वाड यहाँ पर फाइट लेगा, टीम 20 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा। टीम 20 की बात करें, टीम 20 की हेल्थ यहाँ पे काफी डाउन है, वाले प्लेयर्स की हेल्थ काफी डाउन है यहाँ पे। वन वर्सेस वन यहाँ पे एक नॉक देखने मिलेगा, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर। टीम 9 की बात करें, टीम 11 के स्क्वाड भी यहाँ पर रहेंगे, सिमी स्टिल दिया, बट सिमी के साथ टीम 9 के प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट करती है। बट यहाँ पर टीम 9 के स्क्वाड की बात करें, टीम 9 जो कि हमारी अगर देखा जाता है एलेक्स रिवर्स का स्क्वाड एक चिकन डिनर निकाल चुके पहले, एक वन या चेक्स दो चिकन डिनर क्वालिफाइड राउंड में निकाले थे। बट यहाँ पर प्रियंका की बात करें, प्रियंका स्टिल दिया, काफी इंपॉर्टेंट मैच सभी टीम, कौन सी टीम पहले मैच में यहाँ से चिकन डिनर करते दिखेगी, काफी इंपॉर्टेंट मैच है। यहाँ पे टीम 20 के स्कॉट के प्लेस यहाँ पे स्टिल होल्ड डाउन करेंगे, प्रोन डाउन रहेंगे, बट देखते हैं। हेलो शाहिद अरबाज, हाँ भाई। बट टीम नंबर 18 की अगर बात करें, यहाँ पे टीम 17 की तरफ स्पॉट कर चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे, बट डैमेज काफी दिया है। आर आई पी की बात करें, आर आई पी दूसरा नॉक डाउन निकालेंगे इस टाइम पे। बट यहाँ पे कैथरीना की बात की, कैथरीन टैक्सिंग की बात की, फिलहाल एक नॉक यहाँ पे सिमिस्टर 6 की तरफ से यहाँ पर कन्फर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बट क्वीन क्या यहाँ से कन्फर्म हो पाएगी इस टाइम पे, एंड काफी टीम स्टिल 16 टीम स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकन डिनर,
तो काफी ज्यादा ही बसर यहाँ पर देखने को मिली है। आरआईपी की बात करें, कैप्टन की बात करें, कैप्टन स्टिल यहाँ पर व्हीकल के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश करें। फिलहाल टीम नंबर 9 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा। टीम 9 के प्लस क्या इनको स्पॉट करेंगे इस टाइम पर, यहाँ पर देखना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफी ज्यादा टीम से यहाँ पर टीम 2 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा। बट फाइट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर टीम 14 का स्क्वाड है, टीम 2 का स्क्वाड है, काफी ज्यादा टीम से यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी टीम्स एक ही एरिया पे आ चुके हैं, तो काफी ज्यादा भसड़ हमें देखने मिलेगा इस मैच में, इस देखा जाए तो सिचुएशन में। बट टीम 12 का स्क्वाड बात करें, टीम 12 यहाँ पर फाइट लेंगे, टीम 13 स्क्वाड की बात करें, टीम 13 स्टिल एडवांटेज थोड़ा बहुत रहेगा इस टाइम पे, बट इजिली यहाँ से कैसे फाइट लेंगे। टीम नंबर 2 की बात करें, टीम 2 यहाँ पर हेलमेट करते हैं। बट गुगली की बात करें, गुगली स्टिल यहाँ पर टीम 14 के स्क्वाड काफी क्लोज है। टीम 14 की बात करेंगे तो गुगली जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बट टीम नंबर 9 आरटीआर प्राच को कंफर्म कर चुके हैं, यहाँ से आरएफ कैट की बात करें कंफर्मेशन देखने को मिल जाए एक। बट यहाँ पे ये भी थोड़ा बहुत खतरे में, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज इनके पास है, क्योंकि यहाँ से डैमेज काफ़ी मिल रहा है। अगर बात करें गूगली की, बात करें गूगली कितने गर्ल्स निकालते हैं यहाँ पर, टीम 4 की बात करें यूनाइटेड गर्ल्स की स्क्वाड यहाँ से किस आते हैं, टीम 2 को एलिमेट करती है। टीम 2 फाइनली आई गेस यहाँ से एलिमेट होते दिखेंगे। आई गेस यहाँ से किसी भी टाइम आरएफ कैट को अगर एलिमेट करते तो स्पॉट करके एलिमेट करते तो आई गेस वो भी यहाँ से एलिमेट होते। बट डैमेज काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20-20 एचपी यहाँ पे बचेगी काफी ज्यादा टीम से। यहाँ पे देखा जाए टीम जिसका स्क्वाड स्टिल सर्वाइव करेगा, टीम 9 का स्क्वाड स्टिल सर्वाइव करेगा, काफी ज्यादा फाइट वाइल्ड कार्ड स्टिल 0 डील्स के साथ यहाँ पे एक दिन में मर जाएगा कुत्ते की मौत एक दिन। बट टीम 11 स्टिल 2 फीमेल स्क्वाड दिया, टीम 12 स्टिल 4 फीमेल स्क्वाड, एक डॉग डाउन यहाँ पर रहेंगे और 4 यूनाइटेड गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर हैशटैग 4 की बात करें, यूनाइटेड गर्ल्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं जोन के अंदर यहाँ पर सर्कल क्लोज करना जाना, क्लोज करने की कोशिश नहीं देनी चाह रही, यहाँ पर करने ही नहीं दे रहे स्थानित किसी भी तरह से टीम। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बसर देखने मिली। यहाँ पर सिमी की बात करें, सिमी स्टिल सिमी फाइट लेंगे इस टाइम पर, एंड टीम 5 का स्क्वाड के प्लेयर यहाँ पर काफ़ी क्लोज होंगे, ज़्यादा ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फाइट्स यहाँ पर क्लोज हो चुके इस टाइम पर। टीम 5 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा, टीम नंबर की बात करें, टीम 11 के स्क्वाड बात करें, टीम 11 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा। बट अब टीम कैसे फाइट लेंगे इस टाइम पर, हैशटैग 10 टीम स्टिल सर्वाइव करते, काफ़ी ज़्यादा टीम एक साथ एलिमिनेट हुई आज के मैच में। बट फाइनली दे हैव बीन एलिमिनेटेड बाय टीम 10। बट सिमी यहाँ से एलिमेट रुकी है। टीम 12 के स्क्वाड की बात करें, टीम 12 काफी क्लोज है, टीम 16 की बात करें, टीम 10 की बात करें, टीम स्टिल टीम 10 यहाँ पर स्टिल 2 फीमेल स्क्वाड, 12 के स्क्वाड किसी भी टाइम यहाँ से ओआरटी का स्क्वाड के साथ एलिमेट कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर फाइट लेंगे ओआरटी की बात करें, मार्विन यहाँ से फाइट लेंगे, सिस्टर 6 की टीम भी यहाँ से एलिमेट होते दिखेगी इस टाइम पे। हैशटैग 4 टीम 10 से यहाँ पे 4 में आना, व्हाट अ मैच गाइस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ क्या बोलूंगा इस, यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया किस टीम के पास जाऊँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही अलग ही फाइट दिखा ली इस टाइम पे। एंड फाइनली टीम 5 स्टिल सर्वाइव करी, टीम 5 यहाँ पे आरवीडी का स्क्वाड स्टिल सर्वाइव करा। टीम 10 की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ब्लिस को यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ब्लिस की बात करें, ब्लिस के साथ यहाँ पे नेड आते दिखेगा, बट ब्लिस की बात करें तो किस तरह से फाइट लेते हैं। आरआईपी कैप्टन की बात करें स्टिल दिया, टीम 5 की बात करें, टीम 5 स्टिल दिया, टीम 5 की बात करें वीएसजी क्वीन स्टिल दिया। यहाँ पर टीम 10 की बात करें, टीम 10 स्टिल प्रोन डाउन रहेंगे इस टाइम पे, जोन डैमेज जरूर दे सकता था कुछ देर बाद, जोन डैमेज जरूर देगा, बट कितनी देर तक यहाँ पर टीम सर्वाइव करिए देखना काफी नेसेसरी है। 4 टीम स्टिल जब दे आर सर्वाइविंग फॉर द चिकन इन फर्स्ट चिकन इन द ग्रैंड फाइनल, फर्स्ट डे फर्स्ट मैच यहाँ पे देखना होगा। टीम 10 के स्क्वाड के साथ इनको एलिमिनेट करते हैं। टीम 10 की बात करें, यहाँ पे जगह में सब बोलेंगे मर गया लड़के स्क्वाड लाला, बट टीम 10 हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम या टीम नंबर 5 की बात करें, टीम 5 काफी क्लोज है। टीम 12 का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा, टीम डाउन एनसी को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। डाउन एनसी की अगर बात करें, पीछे से इनके जोन आते दिखेगा, बट क्या प्लीज इनको स्पॉट करते दिखेंगे इस टाइम पर। काफी ज्यादा मैच खतरनाक मैच बन चुका है ये मैच तो, ऑलमोस्ट क्या ही बात बोलूँ मैं, क्या ही सिचुएशन बनी इस मैच में। बट टीम 12 यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा इनके, ब्रिज को डैमेज मिल सकता है इस टाइम पर। बट राइट आरआईपी कैप्टन बैक कैप नहीं डालेंगे इस टाइम पर, नाइन से काफी क्लोज है, नेट थोड़ा बहुत यहाँ पे डैमेज दे सकता है, बट यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर बात करो आरआईपी जीत के बाद यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे इस टाइम, फ्ली का यहाँ पे एक नॉक निकालती है। ब्लेस की बात की, ब्लेस स्टिल दिया, नहीं डालेंगे टीम 5 पे, टीम 5 के प्लेयर यहाँ पे आते देखेंगे। वेफू यहाँ पे काफी क्लोज है, वेफू की तरफ से अब बाहर निकलेंगे, बट नेड उनके काफ़ी क्लोज आके गिरा था। बट यहाँ पे बात करें टीम डॉक स्क्वाड भी यहाँ से फाइनली हेलमेट एलिमिनेट हो चुकी है टीम 12 के बाद, टीम 12 की तरफ से। बट यह 3 vs 3 सिचुएशन इस टाइम पे बात करें, वेफू की बात करें, वेफू स्टिल दिया, यहाँ पे 1 vs 2 सिचुएशन इस टाइम पे बात की जाए। टीम 12 का स्क्वाड है 1 vs 3, यहाँ पे एक नॉक देने को, तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा नॉक निकाला क्लोज से। बट यहाँ पे देखा जाए तो एक और नॉक यहाँ पे वीएसजी क्वीन की बात करें, वीएसजी क्वीन काफ़ी क्लोज है इस टाइम पे। वीएसजी की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे नॉक डालेंगे, टीम 12 का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक करेगा, ब्लिस नॉक डाउन है, 2 प्लेयर यहाँ पे डाउन है। फ्ली का 1 vs 2 करते दिखेंगे इस टाइम पे, जोन की तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अभी टाइम है जोन के लिए, बट 1 vs 2 इस टाइम पे नेड आएगा, नेड काफी
काफी अच्छा कंफर्मेशन दे सकता था, बट यहाँ पर स्टिल 1 vs 2 एंड फाइनली टीम 5 जो कि हमारी आरबीटी का स्क्वाड है, आई गेस यहाँ से पहले मैच में चिकन ना कर सकते हैं, बट टीम 12 जो कि हमारी आगे बात के ब्लर गर्ल्स का स्क्वाड, ब्लर एक्स गर्ल्स का स्क्वाड है, कहीं ना कहीं 1 vs 3 खेलते थे इस टाइम पे, आई गेस यहाँ पे कहीं किसी भी टाइम फिलहाल यहाँ से चिकन डिनर करते दिख सकता है, एंड टीम 5 विल हैव द चिकन डिनर, वे फुल स्किल निकालेंगे आरबीटी के स्क्वाड को, तो पहला चिकन डिनर इनके तरफ से देखने मिल चुका है यहाँ पर, पहला चिकन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इस टीम, क्या मैच था गाइस, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं खुद बोलूँ तो परेशान हो गया किस टीम के पास जाऊँ, बट दिस इज कॉल्ड द रियल फाइनल गाइस, ग्रैंड फाइनल, दिस इज कॉल्ड द रियल ग्रैंड फाइनल, मुझको कुछ मौका नहीं मिला कास्ट करने का, कहाँ कहाँ टीम मरती दिखी, किस किसने टीम को किसने एलिवेट किया कुछ समझ नहीं आया, बट स्टिल अ ग्रेट मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इस टीम, बट एक टीम जिसने चिकन डिनर करा आरबीटी का स्क्वाड, पहले मैच में फाइनली चिकन डिनर करते थे, यहाँ पे किल्स की अगर बात के टोटल किल्स में अगर देखा जाए तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे 12 किल के साथ चिकन डिनर करना, वो भी फाइनल्स में, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, काफ़ी प्यारा डोमिनेट करा उनकिल के साथ, प्लस प्लेस पॉइंट के साथ, #2 पे आरआईपी का स्क्वाड रहने वाला है, कहीं ना कहीं बात के किल्स डॉमिनेट देखें इनका, टोटल किल्स 18 किल्स, बट #2 पर रहेंगे इनके, इसको #3 पर डाउ का स्क्वाड रहने वाला है, डाउ गर्ल्स का स्क्वाड रहने वाला है, व्हाट अ कमबैक बाय दिस टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इस टीम गाइस, मैं खुद परेशान हो गया था गाइस, आप देख रहे होंगे लाइव स्ट्रीम में, मैं खुद परेशान हो गया था कौन सी टीम के पास जाना है, किस टीम को शो करना है, क्योंकि सभी टीम लगभग अपनी ही बसड़, अलग ही बसड़ मचाते दिख रही थी, बट अ ग्रेट मैच बाय इस टीम, तो यहाँ पे #3 पे डाउ का स्कॉर्ड रहेगा, किल्स की बात करें टोटल किल्स 8 किल्स निकाले, #4 पे ओआरडी का स्कॉर्ड रहेगा विद 7 किल्स, #5 पे सिनिस्टर 6 का स्कॉर्ड रहने वाला विद 1 किल्स यार, एंड #6 में बात करें तो यहाँ पे जो कि ओआरबी का स्कॉर्ड है कहीं ना कहीं बात के #4 पे ओआरडी का स्कॉर्ड था, तो #6 में ओआरबी का स्कॉर्ड है विद 1 किल, #7 में क्रूल का स्कॉर्ड रहने वाला विद 3 किल्स, और ये गूगली पे धोनी का ओके ओके, एंड #8 पे बात करें वीएसजी गर्ल का स्क्वाड रहेगा विद अ 0 किल्स, यहाँ पे #9 पे आरटीआर प्राचु का स्क्वाड रहने वाला विद अ 1 किल, #10 पे नूव का स्क्वाड रहने वाला विद अ 1 किल्स, #11 पे यहाँ पर स्नेहा का स्क्वाड रहने वाला विद अ 5 किल्स, #12 पे यूनाइटेड गर्ल का स्क्वाड रहने वाला विद अ 1 किल्स, #13 पे यहाँ पे यूकेस का स्क्वाड रहेगा विद अ 3 किल्स, #14 में यहाँ पर रहेगा 8-bit मैक्वीन का स्क्वाड विद अ 7 किल्स, #15 में यहाँ पे क्लची का स्क्वाड रहेगा विद अ 4 किल, #16 में बात करें तो कहीं ना कहीं हेक्सागन स्पोर्ट्स का हेक्सागन ई स्पोर्ट्स का लाइनअप रहने वाला विद अ 0 किल, #17 में देखा जाए तो प्रियंका का स्क्वाड रहेगा सिंचैन का स्क्वाड रहेगा विद अ 0 किल्स, बीलैक का स्क्वाड 18 में रहेगा #18 विद अ 0 किल्स, #19 में बीफ का स्क्वाड रहने वाला है विद अ 0 किल्स, #20 में वैनम का स्क्वाड रहने वाला विद अ 1 किल्स, #21 में बाज का स्क्वाड विद अ 1 किल्स, तो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द ईस्ट टीम, व्हाट अ गेम बाय द ईस्ट प्लेयर्स, क्या मैच था गाइस, दिस कॉल्ड द रियल फाइनल, तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा पहले मैच का डे 1 का पहला मैच, यहाँ पर ग्रैंड फाइनल जो कि विरागो कप गर्ल्स टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल है, एंड डे 1 में मैं पहला मैच एंड हो चुका है, पहले मैच में फाइनली आरबीटी टीम फाइनली हैव अच्छी कर रही है, फर्स्ट मैच 3 मैचेस आर लेफ्ट फ्रॉम योर आईडी पासवर्ड आर गिवन इन द ग्रुप, फटाफट ज्वाइन करो सेकंड मैच के लिए, सेकंड मैच जो कि सैनो का मैप रहेगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बसर, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है मेरे लिए, क्योंकि टीम्स बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गंदा यहाँ पे खेल के चल रही है, कि तुमने बोला जाए तो बहुत ही अलग ही लेवल में यहाँ पे आज गेम देखने मिला सभी का, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ गेम प्ले बाय इस टीम, दिस इज कॉल्ड द रियल फाइनल, दिस इज कॉल्ड द रियल ग्रैंड फाइनल स्टेज गाइस, वी कैन सी फ्रॉम योर, अगर बात करें तो डे 1 का पहला मैच यहाँ पे एंड हो चुका है, सेकंड मैच का डिपॉजिट आपको ग्रुप में मिल चुका है, तो मिलते हैं गाइस अपना शॉर्ट ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, तब तक स्टे ट्यून स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग लाइव विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव 1 लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे चैनल का अगर आपको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब बटन पेल दो गाइस, डाउ गेमिंग का आपको दिख रहा होगा रेड कलर का उसको पेल दो गाइस फटाफट, टप्पा टप करके पेल दो सबके साथ, पेल दो फटाफट, पेल के आ जाओ गाइस फटाफट, तब तक स्ट्रीम में लाइव रहो, स्ट्रीम को एंजॉय करो, तब तक वो थोड़ा बहुत पीछे जाके देखो, लिख के रख दो सैनो में लड़के टॉप 3 आएंगे, लड़के कौन है ब्रो, लड़के कौन है मुझे 3 है, #2 है या फिर #3 है, कौन है लड़के कौन है ब्रो, बट क्या परफॉर्मेंस था भाई गाइस, क्या परफॉर्मेंस था, एंड थैंक यू फॉर दिस मच लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग लाइव, तो मिलते हैं गाइस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स, तब तक के लिए एंजॉय करो स्ट्रीम को, तब तक के लिए
लाइव हो, तब तक थोड़ा जो काम है फटाफट करके आ जाओ 5 मिनट के अंदर, तो तब तक मिलते हैं 15 मिनट के अंदर विद अनदर मैच ऑफ सैनॉग, जो कि D1 का सेकेंड मैच है ग्रैंड फाइनल का, जो कि हमारा विरागो कप गर्ल्स टूर्नामेंट विच इज ऑर्गेनाइज बाई DOW एंड कास्टेड बाय PKMKV। गाने लगाए ब्रो, इस टाइम गाना नहीं लगा रहा मैं, रहने दो गाने इस टाइम पे। तब तक के लिए इस टीम को सिल मोड में डालते हैं, तब तक स्टे ट्यून स्टे सेफ एंड एंजॉय द स्ट्रीम गाइस।
सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टीम। वी आर बैक विद अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स। एंड बात कर ले यहाँ पे विरागो कप गर्ल्स टूर्नामेंट ग्रैंड फाइनल डे वन, अगर बात कर ले हम मैच नंबर टू एंड मैच नंबर वन फाइनली एंड हो चुका है। इरांगल का मैप था फाइनली, उसमें आरबीट की टीम ने यहाँ पे फाइनली चिकन डिनर में सफलता हासिल की थी। बट सेकेंड मैच में देखते हैं यहाँ पे कौन चिकन डिनर करता है। सैनो का मैप है, काफ़ी छोटा मैप हमें देखने को मिल सकता है इस टाइम पर। एंड टीम्स की बात करें यहाँ पर, टीम्स क्या उनके फेवरेट ड्रॉप प्ले होने वाले इस मैच पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अगर बात करें फाइनल्स के लिए दिखा जाए टोटल मैचेस की बात करें 8 मैचेस फुली प्लेड, 1 मैच कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड मैच यहाँ पर जो कि अब लाइव है, कंटिन्यू है, लाइव है, देखते हैं यहाँ से किस तरह से टीम्स इस मैच में परफॉर्म करते हैं। टोटल 6 मैचेस आर लेफ्ट। अगर इस मैच को हटा देते तो टीम्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई टीम चाहिएगी, नई नई टीम चाहिएगी, यहाँ पे प्रीफर करेंगे पुरानी टीम से जो कि चिकन डिनर निकाल चुकी। आरबीटी की स्क्वाड दोबारा सोचेंगे इस बार भी चिकन डिनर करें, बट क्या इस बार भी वो चिकन डिनर कर पाएंगे देखना काफ़ी नेसेसरी होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पर। बट क्वेश्चन रहेंगे कि वो चिकन डिनर करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ये तो ये फिलहाल टाइम ही दिखा देगा। बट टीम्स यहाँ पर जो हमने पहले पिछला रीमैच देखा था, हमने जो रीमैच हुआ था D6 में रीमैच हुआ था, उसमें हमने देखा था टीम्स एकदम से काफ़ी बिखरी बिखरी थी और स्टार्टिंग में काफ़ी सेफ खेला था। मुझे इस बार भी वही सिचुएशन इस टाइम पर सेम सिचुएशन इस टाइम पर लग रही है। बट टीम 19 के स्क्वाड की बात करें, यहाँ पर एक टीम बी लैक के स्क्वाड के साथ टीम्स नज़र आ रही है। टीम बी लैक की बात करें 4 फीमेल स्क्वाड यहाँ पर नजर आ सकता है इस टाइम में, 4 फीमेल स्क्वाड रहेगा। पर कहीं ना कहीं अगर बात करो बी लैक के, लिली खेलते दिखेंगे, शांसा खेलते दिखेंगे, यहाँ पे नियॉन खेलते दिखेंगे, बाला खेलते दिखेंगे। एंड टीम 18 के स्क्वाड की बात करें 4 फीमेल स्क्वाड अनदर लाइन अप सिनिस्टर 6। अगर बात करें यहाँ पे दूसरा लाइनअप जो कि सिनिस्टर 6 का यहाँ पर नजर आ रहा है, टीम 18 का स्क्वाड यहाँ पर नजर आ रही, टीम 17 स्क्वाड भी फिलहाल नजर आ रही है। कंपाउंड्स के अंदर लूट अप करेंगे इस टाइम पे। टीम 17 की बात करें, हेक्सागन ईस्पोर्ट्स पिल पहला मैच उतना चेंज नहीं गया था, बट इस बार देखते हैं कैसे कम्बा करता है। बट टीम नंबर 9 का स्क्वाड भी यहाँ पर नजर आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच सभी टीम्स के लिए, क्योंकि ये है ग्रैंड फाइनल गाइस, ग्रैंड फाइनल डे वन का सेकंड मैच। यहाँ पर टीम्स अगर नजर आ ले तो काफ़ी अलग अलग प्लेयर, टीम 18 का एक प्लेयर यहाँ पर डाउन होगा। टीम हेक्सागन की तरफ से काफ़ी प्यारा नॉकडाउन यहाँ पर देखने को मिला। एंड सिस्टर 6 की नूरा की बात करें, उनको कितनी जल्दी कन्फर्मेशन करते फिलहाल, यहाँ पर ईजिली रिवाइवर मिल जाएगा उनको। बट टीम नंबर 17 क्या इस टाइम पर एग्रेशन वाले रोल पे आएंगे, क्या इस टाइम पर एग्रेशन लाएंगे कि नहीं लाएंगे इस फाइट में, बट देखते हैं। बॉट की बात करें, टीम बॉट के स्क्वाड की बात करें, वो भी इस टाइम पर नॉक निकालेंगे, इस टाइम पर बॉट की बात करें तो वो भी एक नॉक डाउन करते दिखे इस टाइम पर। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, काफ़ी प्यारा मैच है, टीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच खेलते दिख रही है यहाँ पर। ग्रैंड फाइनल गाइस, तो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम, इंपॉर्टेंट फॉर इंपॉर्टेंट मैच, एक एक सेकंड एक एक किल इनके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ से। बट देखते हैं, टीम 17 थोड़ा बहुत रोटेट करके अपने राइट साइड आ चुकी है एंड टीम 18 थोड़ा फॉल बैक करती दिख रही है। बट यहाँ पर टीम 17 के स्क्वाड की बात करें, टीम 17 के स्क्वाड श्वेता किस तरह से यहाँ पे किल्स निकालते हैं, श्वेता काफ़ी क्लोज है फिलहाल, रोटेट मारने की कोशिश करें। एंड अपोज टीम की बात करें, टीम 9 का स्क्वाड फिलहाल नजर आएगा यहाँ पे भी। टीम सिनिस्टर 6 की बात करें, यहाँ पर नोरा जो कि कंपाउंड के अंदर होल्ड करेंगे बेड़ा। यहाँ पर इधर तरफ से बात करते हैं अनैया की तरफ से, अनैया आई थिंक यहाँ पर अनैया सेंटर 6 की यहाँ पर अनैया फिलहाल लीकन का स्प्रे, फिलहाल एक नॉक यहाँ पर श्वेता की हेल्थ काफ़ी डाउन हुई थी इस टाइम पर। बट नोरा की बात के, नोरा स्टिल दिया यहाँ पर 6 के, एमी की बात के एमी स्टिल दिया। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, काफ़ी प्यारा मैच सभी टीम के लिए, यहाँ पर एक प्लेयर डाउन हो चुका ऑलरेडी यहाँ पे, देखने वाले जैसे टीम्स को यहाँ पे फाइट लेते दिख सकते हैं इस टाइम पे। नोरा की बात के, नोरा स्टिल सर्वाइव कर रहे, क्वीन काफ़ी क्लोज है नोरा के, क्वीन यहाँ पर कन्फर्म करिए। बट नोरा की बात के, नोरा आप किस तरह से आप फाइट लेंगे फिलहाल यहाँ पे बात करें तो, यहाँ पर नोरा की बात के, नोरा भी नॉकडाउन होगी, क्वीन भी यहाँ पे बात करें वो भी कन्फर्म हो चुकी यहाँ से। बट टीम 17 स्क्वाड यहाँ पे 1 vs 2 का सिचुएशन इस टाइम पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, देखते हैं कौन किसको एलिमिनेट करता है इस टाइम पे। बट टीम नंबर 18 की बात करें, सिस्टर 6 के स्क्वाड के बाद क्या पड़ेंगे, सिस्टर 6 के बाद के 1 vs 2 यहाँ पर देखने मिलते हैं, त्रिलोने फंसे थे बट यहाँ पे एक और नॉकडाउन देखने मिलेगा, काफ़ी प्यारा हेक्सागन ईस्पोर्ट्स की तरफ से काफ़ी प्यारा नॉकडाउन। फिलहाल यहाँ पर सिस्टर 6 के लीजा यहाँ से बैकफुट में आ चुके हैं, टोटली फॉल बैक कर चुके हैं, आई डोंट नो वहाँ से अपनी टीम के साथ क्यों छोड़ा हुआ। अगर फाइट लेते तो यहाँ पे चांसेस थे कि 2 vs 2 कर सकते थे, बट यहाँ पे जो इन्होंने डिसाइड किया और फिलहाल यही जाने, यही इनकी टीम जाने। बट यहाँ पर क्रूल के स्क्वाड की बात करें, क्रूल भी यहाँ पे, क्रूल का स्क्वाड भी यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो गया एंड फिलहाल रिवाइवल मिलते थे इस टाइम पे। बट देखते हैं पॉजिटिव की बात करें, टीम 7 का स्क्वाड नजर आएगा, टीम सेवन जो कि एलिमेंट न्यून वेब का स्क्वाड है, कहीं ना कहीं 4 फीमेल स्क्वाड यहाँ पे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी 0 किल के साथ है। बट अगर देखा जाए टीम से अगर नजर डालते एक बार टीम में मैप पर नजर डाले तो टीम ऑलमोस्ट काफ़ी बिखरी बिखरी नजर आ रही है इस टाइम पे। टीम 7 के प्लेयर्स की बात करें, टीम 7 यहाँ पे एक प्लेयर काफ़ी क्लोज, थोड़ा बहुत क्लोज नजर आ रहा है टीम 20 जो कि हमारे कुल यूनिकॉर्न का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा। थैंक यू अलीसा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्ट्रीम, अगेन वेलकम टू स्ट्रीम गाइज, ऑल ऑफ यू वेलकम टू द स्ट्रीम, आप लोग का स्वागत है हमारी लाइव स्ट्रीम में। एंड आप देख सकते हो अपनी स्ट्रीम में, देख सकते हो
100 RP का रॉयल पास सीजन 14 का यहाँ पर नजर आ रहा है इनके पास जरूर है। तो अगर उन्होंने 100 RP पूरी कर चुकी है उस टाइम पर, या फिर कोई ली होगी स्टार्टिंग में यूसी से खरीदी होगी, बट देखते टीम 20 के स्कॉट के बाद की क्विल का स्कॉट, इसलिए एक प्लेयर इनका डाउन जरूर हुआ था बट वहाँ पर इजली रिवाइवल मिल चुका है इनका वैनम के स्कॉट के बाद के। वैनम यहाँ पर 3 फीमेल स्कॉट, एक प्लेयर कन्फर्म हो चुका है इनका लीफी, जो कि कैजुअल्टी लीफी के रूप में कैजुअल्टी मिल चुकी है यहाँ से। बट टीम 18 के बाद के, टीम 18 के सिलेस्टर सिक्स के यहाँ पर लीजा स्टिल सर्वाइव करने के स्टैम्प है, बट देखते हैं टीम 9 के स्कॉट के बाद के, टीम 9 जो कि अलग जीवर स्कॉट स्कॉट रहने वाला है, यहाँ पर टीम 18 को स्पॉट करने की कोशिश करें। टीम 18 यहाँ से क्या स्पॉट हो पाएंगे इस टाइम पर, क्या वो भी यहाँ से फाइट लेते थे, बट थोड़ा बहुत फिर से फॉल बैक इनकी तरफ से देखने मिला उस टाइम पर। जी के बाद के उमी की तरफ से एक नॉक देखने मिलेगा, गूगली को नॉक डाउन कर स्टैम्प है, गूगली को चखा दिया यहाँ पर, गूगली काफ़ी अच्छी गूगली हमें देखने मिली इस टाइम पर। बट देखते हैं यहाँ पर स्टिल टीम 2 स्टिल जम, टीम 16 के स्कॉट फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है, ORB का स्कॉट यहाँ पर नजर आ रही है उमी इनकी तरफ से खेल रही है, बट IUC किस तरह से यहाँ पे क्लोज इन करते दिखेंगे इस टाइम पर। अगर बात करें वर्नर स्टिल दिया टीम 2 का स्कॉट है, 3 vs 4 सिचुएशन इस टाइम पे, सैनो का मैप है, सेकंड मैच ग्रैंड फाइनल का, डे 1 का सेकंड मैच, पहला मैच ओवर हो चुका है, वहाँ पे RBT फाइनली चिकन डिनर कर चुके हैं, बट सेकंड मैच में कौन से टीम चिकन डिनर करते दिखेंगे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है आज के सेकंड मैच में। बट उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अराउंड 20 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा, वेट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद अराउंड 20 to 25 मिनट्स के बाद हमें पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब बदल सकता है। माही का फिर से गूगली पे चक्का, माही का नाइस जोक, बट इस बार भी माही ने काफ़ी अच्छा खेला, गूगली इस बार भी गूगली नहीं चली गूगली की। बट यहाँ पे देखते हैं टीम 16 का स्कॉट की अगर बात करें, टीम 16 यहाँ पे उमी जो कि माही बन के उतरी यहाँ पे, और गूगली को कहीं ना कहीं पवेलियन में पहुँचाया विदाउट एनी किल, यहाँ पे पवेलियन में पहुँचाया और पहली डिलीवरी में यहाँ पर छक्का मारा है, और गूगली को यहाँ पर डायरेक्ट गूगली को पहुँचा दिया लॉबी पे। बट देखते टीम 16 स्टिल लिया, टीम 2 की स्कॉट की बात करें, टीम 2 की स्कॉट स्टिल यहाँ पर सर्वाइव करें गूगली इनकी जो कि अब एलिमेट हो चुकी है, बट टीम 7 का स्कॉट फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है, एलिमेंट बेब का स्कॉट यहाँ पर रहेगा, क्या ये टीम 2 को स्पॉट कर पाएंगे इस टाइम पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट यहाँ पर हेक्सागन की बात करें, हेक्सागन फाइनली यहाँ पर स्पॉट करेंगे, फाइनली एलिमेट करेंगे, एंड फाइनली एक टीम जो कि हमें मिल चुकी है सिस्टर 6 की, वो यहाँ से एलिमेट हो चुकी है। तितली ओपी या तितली ओपी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वंस अगेन वेलकम टू स्टीम, एंड टीम 2 उसने यहाँ भी यहाँ पे आ चुकी थी, अब स्पॉट हो चुकी थी, बट डैमेज काफ़ी दिया बीप की तरफ से, काफ़ी अच्छा डैमेज देखने मिला इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 10 की हेल्थ उनकी बची थी इस टाइम पे, बट आई गेस इस टाइम पे थोड़ा बहुत हल्का सा फुल्का, लेकिन सेकंड स्पॉट यहाँ पे कर चुके, नॉकडाउन यहाँ पर देखने मिला स्नेहा की बात कर, स्नेहा बैक टू बैक स्प्रे हील कर चुके इस टाइम पे, बट यहाँ पे 1 vs 3 का सिचुएशन इस टाइम पर रहेगा, इजली आई थिंक बीप की स्कॉट इनको हेलमेट करते, बट नीड एक साइड, बट बीप की स्कॉट के बाद बीप का एक स्टैम पर डाउन होगा, बट देखते हैं किस तरह से RF कैट यहाँ पर सर्वाइव करने वाली, एक तरह से यहाँ पर स्नेहा सर्वाइव करने वाली, 2 vs 2 का सिचुएशन है, काफी इंटरेस्टिंग मैच है, स्नेहा यहाँ पर रिवाइव देंगे, बट टीम से और इनको स्पॉट करके इस टाइम पे, टीम सेवन की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्प्रे देखने को मिल सकता है इस टाइम पे, बट देखते हैं कौन सी टीम यहाँ से चिकन करेगी, कौन सी टीम यहाँ से किसको एलिमेट करने वाली, बट ये काफी इंटरेस्टिंग मैच है। टीम सेवन अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने की कोशिश करें, टीम 2 की बात के बॉट पिक्सी को यहाँ पर रिवाइव मिल चुका है, RF कैट की बात के RF कैट स्टिल दिया यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट मैच, टीम सेवन काफी क्लोज है, RF कैट काफी क्लोज है, यहाँ पे एक और नॉक देखने मिलेगा, 2 नॉकडाउन यहाँ पे जीना, अब सिंगल स्ट्राइक यहाँ पे 2 नॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम गॉड इस गल के भी हो चुके, 1 vs 1 RF कैट वर्सेस जीना, कैट और जीना में कौन जीतेगा, फिलहाल 2 को कंफर्म कर चुके हैं, दोनों को एक साथ कंफर्मेशन दिया, बट यहाँ पे 1 vs 1 का सिचुएशन, स्टिल यहाँ पे टीम 2 की बात करें, टीम 2 ऑन द बैकफुट थोड़ा बहुत नजर आएगी, बट टीम से हम उतने ही बैकफुट में जाएगा, ब्रावर की बैकफुट में नजर आएगी, बट यहाँ पे बेब का एक नॉकडाउन होगा, तीजू जोर की नॉकडाउन होने वाली है इस टाइम पे, एंड डीजे के बाद के अब कैथरीन टीएक्सन को यहाँ पर नॉकडाउन किया, बट यहाँ पे फिलहाल ये अलग फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1 vs 1 है, अलग अलग साइड यहाँ पे होल्ड करें, यहाँ पे कौन पहले पुश करेगा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे टीम 2 के लिए कहीं ना कहीं ब्लीड आउट हो रहे हैं इस टाइम पे, एंड इस टाइम पे मजा आ गया मारो बेब को मजा आ गया हमारे बेब को, बट यहाँ पे टीम 7 स्टिल जा रहा है, टीम 7 वर्सेस टीम 2, RF कैट यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, जीना काफी क्लोज है, जीना प्रोटीन मार के आ चुके हैं, बट यहाँ से फाइनली टीम 2 विल बी एलिमिनेटिंग, एक लोगों को रिवाइव मिल सकता है आई गेस यहाँ पे, स्नेहा को क्या यहाँ पर रिवाइव दे पाएंगे, स्नेहा को ऑलमोस्ट 10 HP में यहाँ पर रिवाइव मिल सकता है इस टाइम पे, एंड फाइनली यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच, तो वहाँ पे देखा जाए तो 2 to 4 टीम यहाँ से हेलमेट हो चुकी है, RF कैट स्टिल सर्वाइव करेंगे यहाँ पे, स्नेहा भी यहाँ से हेलमेट हो चुकी है, टीम 3 की बात करें, टीम 3 स्टिल यहाँ पर सर्वाइव करेंगे यहाँ पे, 4 फीमेल स्क्वाड एक टीम को यहाँ से हेलमेट कर चुके, टीम 4 की बात करें, टीम 4 स्टिल विद 0 किल्स,
टीम फाइव की बात करें, टीम फाइव जो कि हमारे आरबी डिगर्स का ऑर्डर पिछले मैच में, इनके तरफ से क्या चिकन डिनर में देखने मिला फिलहाल। यहाँ पे इमोट का यूज़ कर रहे हैं, होल्ड करके बैठे। ओ आर बी डी की बात करें, ओ आर बी डी यहाँ पे बिहान ओपे एक नॉक कर रहे हैं, बट देखते हैं यहाँ से किस तरह से रोटेट मारेंगे। फिलहाल यहाँ पे फाइट लेने को सिक्स प्लेयर को कंफर्मेशन देखने को मिलेगा इनका, इनके तरफ सिक्स प्लेयर को कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, बट देखते हैं। ओ आर बी बिहान ओपे किल जो कि निकाल चुके हैं, बहुत खास मारा बस ये प्लेयर जो है नॉक। ओके ओके ओके, हाँ देखा था। बट टीम 15 अपोजिट साइड में, टीम 15 के बस यहाँ पर आएंगे। टीम 15 के बाद की टीम 15 जो कि हमारा अगर देखा जाता ब्लड ऑन क्राउन का स्कॉड है, यहाँ पर 3 फीमेल स्कॉड। यहाँ पर एचबी मॉर्निंग की बात की, एचबी मॉर्निंग यहाँ से क्या नॉक लेंगे फिलहाल। यहाँ पे कहीं ना कहीं शिवी भी काफी क्लोज है, शिवी की बात की, शिवी इस टाइम प्रोन डाउन रहेंगे। इस टाइम एचबी मॉर्निंग के काफी क्लोज प्लेयर्स आते दिखेंगे, यहाँ पे काफी टफ सिचुएशन यहाँ पर नहीं रहेगा थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे किस तरह से मॉर्निंग डिसाइड करती है कि इनको क्या करना इस टाइम पे। बट यहाँ पे टीम 15 के स्क्वाड की बात करें तो कहीं नहीं कि काफी इंपॉर्टेंट मैच इनके लिए। ओ आर बी टी की बात करें, ओ आर बी टी की बात करें, ओ आर बी टी यहाँ से सीबी को स्पॉट करने की कोशिश, सीबी यहाँ पे फाइनली नॉकडाउन यहाँ पे हेलमेट करने की कोशिश करेंगे। ओ आर टी की बात करें, ओ आर टी की तरफ से ब्लिट्स ओपी की तरफ से काफी प्यारा कंफर्मेशन देखने वाला इस टाइम पे। बट टीम नंबर 15 ऑन द बैक फुट क्लची और मॉर्निंग स्टिल स्ट्राइकिंग इस टाइम पे 2-4। यहाँ पे नॉक देखने मिल सकता है इस टाइम पे, ओपन मैच है बट कंफर्म भी साथ ही साथ देखने को मिल सकता है इस टाइम पे। रिनी नॉकडाउन रहेंगे, 2-3 सिचुएशन। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशन नजर आएगा, बट यहाँ पे क्या सिचुएशन इस टाइम पे बन चुका है टीम 15 के लिए, 1-3 है। यहाँ पे इस पे देने की कोशिश करें, बट यहाँ पे भी मॉर्निंग क्या नॉक यहाँ पे निकाली है, मॉर्निंग की तरफ से एक और नॉक यहाँ पे। एंड ओ आर टी की बात करें, ओ आर टी का स्कॉट यहाँ पे अब किस तरह से इनको एलिमिनेट करता है। बट यहाँ पे एक लोगों को कंफर्म करने की कोशिश करें, किल्स निकालने की कोशिश करें, किल्स यहाँ पे जो कि मैटर कर सकते हैं इस टाइम पे, किल्स विल द मैटर मोर। यहाँ पर देखा जाए टीम 10 का स्कॉट, यहाँ पर टीम 10 ओ आर टी की तरफ से नॉक यहाँ पे लास्ट किल निकालेंगे इस टाइम पे। एंड फाइनली वन मोर टीम हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस मैच, फ्रॉम सेकेंड मैच ऑफ फाइनल ग्रैंड फाइनल। एंड टीम्स की बात करें, टीम्स यहाँ पे काफी ज्यादा ही क्लोज आ रही है। टीम 21 के बाद के वैनम के स्कॉट, टीम 16 के काफी क्लोज है। टीम 16 की स्कॉट की बात करें तो कंपाउंड के साथ मौजूद रहेंगे, बट यहाँ पे फाइट लेना चाहेंगे टीम 16 की बात करें। यहाँ पे टीम 16 की बात करें, ओ आर बी का स्कॉट है एक प्लेयर, यहाँ पे तो तीन नॉक डालेंगे। बट यहाँ पे देखना होगा किस तरह से पुश करते हैं, सबके साथ एग्रेशन दिखाते हैं, एक प्लेयर यहाँ पे कंफर्म होते दिखेगा। फाइनली वैनम के प्लेयर की बात करें, एक कैजुअल टीम की टीम की मिल चुकी है, बट दो नॉकडाउन यहाँ पे क्रूशियल नॉक यहाँ पर निकाले। बात की तो वंडर स्टिल, वंडर यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, कहीं ना कहीं तितली नॉक है, आईसी स्टिल सर्वाइव करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहीं आईसी को, आईसी अगर रिवाइव दे रही इस टाइम पे उनके प्लेयर को, यहाँ पे जो कि कंफर्मेशन मिला फिलहाल 2-3। यहाँ पे एकेएम को शॉट देने की कोशिश करेगी, एकेएम नॉक यहाँ पे काफी प्यारे दो नॉक निकाले इस टाइम पे, एक प्लेयर को कंफर्म करेंगे। बट आईसी स्टिल दिया, आईसी इस टाइम पे सपोर्ट करेंगे। फिलहाल वंडर क्या यहाँ से आईसी और वंडर क्या क्लच इनकी तरफ से देखने मिला, वाट अ क्लच, वाट अ क्लच गाइस, वाट अ क्लच बाय दिस टीम। बट यूनाइटेड गर्ल्स के स्कॉट की बात करें, टीम 4 के स्कॉट यहाँ पर फाइट लेगी। टीम 4 के बात करें, टीम 4 के प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते दिखेंगे। एंड फाइनली दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम कैथीन के बात करें तो टीएक्सएन की तरफ से काफी प्यारा एलिमिनेशन दिखने वाला इस टाइम पे। एंड टीम 20 स्टिल देयर। टीम 3 का स्कॉट की बात करें, टीम इसका स्कॉट यहाँ पे अंकिता के बाद, अंकिता विद 1 किल 8 बीट। एमसी क्वीन की बात करें तो कहीं ना कहीं 5 किल के साथ यहाँ पर रहेंगे। टीम 5 के स्कॉट की बात करें, टीम 5 स्टिल देयर। यहाँ पे जोन का डैमेज ले रहे हैं, जोन का डैमेज दे फिलहाल। अब तक यहाँ पर देखा जाए तो इनकी मस्ती देखा जाए एक बार, तो इनकी मस्ती देखते हैं एक बार क्या ये करना चाह रहे हैं, किस तरह से होल्ड कर रहे हैं तीनों तीनों या चारों प्लस यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं। बट आई गेस यहाँ पर थोड़ा बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं, उनको पता है यहाँ पे कोई भी टीम अभी इनके आसपास नहीं है, तो थोड़ा बहुत जितनी देर तक सेफ खेलें उतना इनके लिए बैटर रहेगा, उतना इनके पॉइंट में बैटर रहेगा, पॉइंट जितने ये लाएं। बट बाज आशी की बात करें, बाज आशी की तरफ से एक नॉकडाउन देखने मिलेगा और एक और प्लेयर कन्फर्म यहाँ पे आशी की तरफ से देखने मिलेगा। एंड बाज की बात करें, बाज आज कितने किल्स निकालती है, आज की बात करें टोटल 2 किल्स यहाँ से निकाल चुके हैं, कंफर्मेशन मिल चुका है 2 किल्स का। बट स्टिल हैज तक 13 टीम स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकन डिनर। एज यू नो पहला मैच ओवर हो चुका है, पहले मैच में आरबीटी के स्क्वाड की तरफ से चिकन डिनर देखने मिला था, बट सेकेंड मैच देखते हैं टीम्स कैसे चिकन डिनर करती है, क्या परफॉर्मेंस रहता है इनके बीच में। बट यहाँ पे एम जी की बात करें, एम जी यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे, एम जी की स्कॉट की बात करें, लेट्स सी यहाँ पे कितने किल्स वो निकालती हैं। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच सभी टीम के यहाँ पे रहने वाला है। अगर बात करें तो यहाँ पे मार्श की बात करें, मार्श मार्विन की बात करें, स्टिल इनके टीम के बात करें, 4 किल्स यहाँ पर रहेंगे। टीम नंबर 10 की बात करें, ओ आर बी का, ओ आर बी टी का स्कॉट यहाँ पर रहेगा। एंड स्टिल 13 टीम स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकन डिनर। टीम 3 जो कि हमारी यहाँ पर दी मिक्स का स्कॉड है, टीम 2 यहाँ पे फाइनली एलिमिनेट हो चुकी है। डिफरेंट बिटवीन कैंपिंग वर्सेस होल्डिंग या ब्रो, फिलहाल टीम 20 का एक प्लेयर यहाँ पे डाउन होगा। अंकिता की बात करें, अंकिता फाइट लेंगे इस टाइम पे, बट यहाँ पे बैक टू बैक क्रूल की बात करें, बैक टू बैक करेंगे। फिलहाल एक प्लेयर को स्पॉट किया था, बट स्मोक का कवर का जिंकाल की बात करें, जिंकाल इस टाइम पर रिवाइव देंगे। बट देखा जाए तो टीम 20
आप यहाँ पे कितने जल्दी रिवाइव देते हैं। टीम 20 के बाद क्विल के स्क्वाड इस टाइम स्मोक का कवर आएगा टीम 14 के साथ। ऊपर से कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पॉट कट के हीरेस को यहाँ पे डालेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नॉक दे सकते हैं कीते को। काफी अच्छा डैमेज है कीते का डैमेज देखने मिला इस टाइम पे। बट अगर बात करें वीएसजी यहाँ पे क्वीन ने कौन नॉक करेंगे इस टाइम पे। बट काफी इंपॉर्टेंट मैच है #30 टीम स्टिल सर्वाइविंग। डाउ के स्क्वाड की बात करें डाउ का स्क्वाड यहाँ पे फाइनली नॉक करना स्टार्ट करेगा। डाउ की मैच की बात करें डाउ का मैच यहाँ पे एक प्लेयर नॉक डाउन रहेगा, दो प्लेयर नॉक रहेंगे टीम 5 का स्क्वाड यहाँ पर। टीम 5 के स्क्वाड की बात करें वीएसजी क्वीन यहाँ पे फाइनली विफ यहाँ पर रहेंगे किस तरह से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डोवा किंग की बात करें डोवा कैन स्टिल देयर विफ स्टिल सर्वाइव करें। बट टीम डाउ के स्क्वाड की बात करें नाइन स्टिल देयर नाइन टाइम पर रिवाइव देंगे। और टीम 5 का स्क्वाड यहाँ पर आते देखा विफ उस टाइम से रोटेट मारे वीएसजी क्वीन जोन जो मैं जोन अब जो कि डैमेज देगा थ्री प्लेयर स्टिल डाउन यहाँ पे। डाउ पूजो के बाद जिनको रिवाइव मिल चुका वेफू वर्सेस नैंसी कौन किस कौन नॉक करेगा। और एक प्लेयर यहाँ पे कन्फर्म नैंसी भी नॉक यहाँ पे पूजा वर्सेस वेफू। टाउ की टीम क्या यहाँ से हेलमेट होगी फाइनल वीएसजी की नॉक हुई थी इस टाइम पे। बट काफी प्यारा मैच फिलहाल यहाँ पे श्रेयर आ चुके एंड काफी प्यारा मैच चल रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं टीम 5 का स्क्वाड आ रहा है टीम 5 के प्लेयर यहाँ पे आते दिख रहे हैं। फाइनली टीम 5 हैज बीन एलिमिनेटेड बाय टीम डाउ। वेफू क्या खेले यहाँ पे डाउ श्री आई लास्ट में काफी अच्छा मैच निकाला यहाँ पे। बट क्या परफॉर्मेंस इनके तरफ से देखने। टीम 22 की बात की टीम 20 जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे। 8-bit के बाद के 8-bit दूसरी साइड यहाँ पे फाइट लेना चाहेंगे इस टाइम पे। टीम 3 का स्क्वाड का स्पॉट करने की कोशिश करेंगे टोटल 11 किल्स। व्हाट अ डोमिनेशन फ्रॉम 8-bit एमसुबिन टोटल 6 किल्स निकाल चुके हैं। एली के बाद के एली टीम 16 के ओआरबी के स्क्वाड को आयुष के स्पॉट कर चुके हैं इस टाइम पे। स्प्रे देने की कोशिश करें बट स्टिल व्हाट अ ब्रिलियंट मैच। पहले मैच में तो काफी ज्यादा ही बसर देखने मिली थी हमें लास्ट सर्कल में, इस मैच तो थोड़ा कम देखने मिला। बट काफी अच्छी फाइट है जिस हिसाब से सर्कल क्लोज हो रहा है उस हिसाब से फाइट टीम से किस तरह से कम होती दिख रही है। बट स्टिल 12 टीम्स जो कि बहुत ज्यादा होने वाली लास्ट सर्कल के लिए लास्ट सेकंड या थर्ड सर्कल के बहुत ज्यादा होने वाली क्योंकि टीम्स बहुत ही ज्यादा रहेंगी और जोन काफी छोटा होगा तो काफी जल्दी टीम एक दूसरे फाइट लेंगे काफी जल्दी हेलमेट करेगी। बट टीम 6 की बात करें टीम 6 जो कि वीएसजी फॉर्मेशन का स्क्वाड है टीम 14 को स्पॉट कर चुका है इस टाइम पर। टीम 14 का स्क्वाड रहेगा बट हिट गर्ल की बात करें विद अ वन किल क्लेवर पांडा जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं इनके तरफ से। बट देखा जाए तो सभी 12 टीम से अगर नजर आई टीम 3 का टीम स्क्वाड की बात करें यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल विद 11 किल्स डेट अ ह्यूज डोमिनेशन फ्रॉम देम। बट अभी भी पूरा मैच इनके पास बचा हुआ है 29 प्लेयर्स इनके साथ बचे हुए। अगर इनके चार प्लेयर हटा दी जाए तो 25 प्लेयर्स स्टिल गया तो उन 25 प्लेयर्स से कितने किल्स ये निकालते ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। बट वीएसजी यहाँ से जोन के अंदर जाना होगा क्योंकि जोन जो कि अब डैमेज थोड़ा बहुत देगा ऑलमोस्ट 30-40% डैमेज देगा। टीम एक्स अंकित की बात की वो यहाँ पे नॉक निकालेंगे इस टाइम पर क्रूशियल नॉक निकाल उनकी तरफ से। टीम एक्स के स्कॉट की बात की वो इस टाइम पर नॉक निकालिए एंड फाइनली आरआईपी का स्कॉट यहाँ से आई गेस एलिमिनेशन देते दिखेगा। बट ओआरटी की बात की ओआरटी स्टिल दिया आरआईपी फ्लिका की बात की फ्लिका स्टिल दिया यहाँ पर टीम 8 को स्पॉट कर चुके टीम 8 के प्लेयर को नॉकडाउन सोनाली वाइटी को नॉकडाउन यहाँ पर थ्री प्लेयर नॉक करें। बट फाइनली टीम 8 विल बी एलिमिनेटिंग देम। टीम 8 की बात करें तो काफी प्यारा मैच यहाँ पर टीम 8 के तरफ से। फिलहाल टीम कैथरीन की बात करें कैथरीन यहाँ पर फाइट लेंगे टीम 3 का स्कॉट रहेगा यहाँ पर। टीम 3 की बात करें कैथरीन टी एक्सटेन के साथ से फाइट लेते हैं इस टाइम पे एंड फाइनली देखा जाए टीम 6 का स्कॉट वीएसजी फॉर्मेशन के साथ से फाइट लेंगे। एक पर यहाँ पर नॉकडाउन है जोन डैमेज देगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोन यहाँ पे। हंस तक ए टीम ओआरटी के स्कॉट के बाद के ओआरटी टीम 22 को एलिमिनेट करने की कोशिश किल चुराने की कोशिश बीएमएक्स को कन्फर्म करने की कोशिश करें एंड फाइनली बीएमएक्स भी कन्फर्म होंगे इस टाइम पे। एंड टीम 10 का स्कॉट यहाँ पर एक प्लेयर यहाँ पे डाउन होंगे बट प्लीज ओपे यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश पूरी करेंगे। टीम 3 की बात कर ले टीम 3 कहीं ना कहीं स्पॉट करने की कोशिश करें प्लेयर को। टीम 16 का स्कॉट की बात करें टीम 16 के ओआरबी आयुष स्टिल सर्वे करें यहाँ पर जोन यहाँ पे क्लोज हो रहा है जोन के अंदर जाना होगा। टीम 14 के प्लेयर क्या स्पॉट करेंगे इस टाइम पे। यूकेएस का स्कॉट किस तरह स्पॉट करते दिखेंगे यहाँ पर टीम 16 को। टीम 10 के स्कॉट ऊपर से आते दिखेंगे इस टाइम पे। बट काफी इंपॉर्टेंट मैच टीम 3 के 4 फीमेल स्कॉट स्टिल सर्वे करें यहाँ पे। टीम 10 का स्कॉट ऊपर आएगा टीम 10 ओआरबी का बिहान ऊपर स्टिल लॉक होंगे रिमी स्टिल जा रिमी रिवाइव देंगे इस टाइम पे। स्मोक का कवर इस टाइम पे आते दिखेगा ब्लड प्लीज ओपी की बात करें 4 किल के साथ यहाँ पर। टीम 14 यूकेएस का स्कॉट टीम 3 को हेलमेट करने की कोशिश करेगा इस टाइम पर। टीम 3 ऑन द बैक फुट हियर बट टीम 14 यूकेएस का स्कॉट की बात करें टोटल 2 किल्स यहाँ पर। टीम 3 क्या यहाँ से हेलमेट होगी फिर 11 टू 12 किल्स यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे क्वेश्चन मारेगा क्या ये टीम 3 की टीम हेलमेट होती थी जो कि काफी ज्यादा किल्स निकाली थी इस टाइम पे। ओआरटी के स्कॉट के बाद के ओआरटी एक नॉक निकालेंगे इस टाइम पे बिहाइंड ओपी को रिवाइव मिल चुका है रिमी स्टिल दिया। टीम 14 काफी क्लोज आने की कोशिश करेंगे बट यहाँ पे #3 टीम स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकनिया। टीम 14 स्टिल 3 फीमेल स्कॉट टीम 10 स्टिल 3 फीमेल स्कॉट टीम 3 फाइनली टॉप 3 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे किल्स की बात की 17 किल्स यहाँ पे निकाल चुके हैं टीम नंबर 3 डीम इसका स्कॉट आई थिंक यहाँ से चिकन ही निकले काफी क्लोज है। टीम 10 की बात की टीम 10 यहाँ पे फाइट लेंगे टीम 14 का स्कॉट यहाँ पर रहेगा। बट कौन फाइनली
चिकन डिनर अपने नाम करेगा, क्वेश्चन मार्क, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट काफ़ी जल्दी इसका जवाब हमें देखने मिलने वाला है, काफ़ी जल्दी इसका आंसर हमें देखने मिल सकता है। टीम 10 स्टिल जाए वो टी रिम में काफ़ी क्लोज है, टीम 14 जो की वजह से आप यहाँ से स्पॉट करते हैं, टीम 3 का स्क्वाड आएगा, यहाँ पर ब्लिट्स ओपी टीम 3 के पीछे आएंगे, ब्लिट्स ओपी क्या नॉक निकालेंगे इस टाइम पर देखना होगा, बीटी अगर बात करें 8 बिट की तरफ से एक नॉक डाउन, यहाँ पे यूकेस का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक करेगा, बट काफी इंपॉर्टेंट मैच है, टीम 3 स्टिल जाए टीम 10 को क्या यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, टीम 3 वर्सेस टीम 10 ओ आर टी का एक प्लेयर यहाँ पे डाउन होगा, टीम नंबर 3 स्टिल जाए टीम 10 की बात करें दो प्लेयर से सर्वाइव करें, रिम स्टिल जाए आप 2 प्लेयर से सर्वाइव करते थे, अरे लड़के टॉप 3 में नहीं आए, नो ब्रो नो, जरा ज्यादा ही मजाक हो रहा है ब्रो, बट टीम यूकेएस की बात करें टीम यूकेएस बट ब्रो आपके लिए एक डायलॉग है, हमारी छोरियाँ किसी लड़कों से कम है का, ब्रो आपने देखी होगी मूवी देखी होगी, बट आपको बता दो हमारी छोरियाँ किसी से कम है का, ओ आर टी रिमी की बात करें ओ आर टी रिमी भी इस टाइम पर नॉक होंगे, बट ओ आर टी बिहान ओपन स्टिल सर्वाइव करेंगे, 1 फीमेल स्क्वाड, टीम 3 वर्सेस टीम 14 काफी इंटरेस्टिंग मैच, टीम 14 की तरफ से काफी प्यारा नॉक यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट काफी क्रूशियल नॉक यहाँ पे, टीम 3 ऑन द बैकफुट थोड़ा बहुत नजर आएगी, टोटल 19 किल्स के साथ एक प्लेयर इस टाइम पर डाउन होंगे, टीम 3 की बात करें टीम 3 यहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी क्लोज, टीम 14 वर्सेस टीम 3 यूजिकल पेपर से देखिए यहाँ पे एक नॉक, एली की बात करें एली यहाँ पे नॉक है, कैथिन टी एक्सिंग की बात करें कैथिन टी एक्सन स्टिल एंड फाइनली यूकेएस के स्क्वाड की बात करें यूकेएस का स्क्वाड यहाँ पे क्या हेलमेट करेगा, यूकेएस स्टिल 2 फीमेल स्क्वाड जोन ज्यादा डैमेज देगा, वही है छोड़िए के सामने लड़के फिर या ब्रो वही तो मैं बोलना चाह, हमारी छोरियां किसी लड़कों से कम है का, यही तो डायलॉग है, वो चीटिंग कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, तब भी वो चीटिंग नहीं निकाल पा रहे, बट वो उनकी मुझे जहाँ तक लगता है ये सब कुछ फेक है जितना भी आप बोल रहे हो, बट जो भी ये मैनेजमेंट से बात करना, क्योंकि मैनेजमेंट जब इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहा है तो कुछ सोच समझ के कराया ब्रो, कुछ सोच समझ के कराएगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बात करें तो #टॉप 3 टीम स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकन डिनर 2 vs 2 vs 1 का सिचुएशन यहाँ पे, कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करते थे, टॉप 2 टीम या 8 बिट ओआरटी को एलिमिनेट करते थे, फिलहाल ओआरटी का स्क्वाड यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, आई गेस टीम 3 विल हैव दिस चिकन डिनर, टीम 3 के पास एडवांटेज पूरा एडवांटेज है, जोन क्लोज होगा, टीम 14 ऑन द बैकफुट और टीम 3 के पास क्यों नीचे गए यहाँ पे, पूरा एडवांटेज इनके पास था, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या करना चाह रहे इस टाइम पे, आई गेस इनको होल्ड करना चाहिए गाइस, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये करना चाह रही थी, टीम 3 का स्क्वाड क्यों फाइट ली, इस फाइट में क्यों फाइट लेना चाह रहे, जहाँ पर टीम 14 खुद डैमेज होंगे, किल्स के लिए क्यों जा रहे हो गाइस, किल्स के लिए मत जाओ इस टाइम पर, क्योंकि किल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल नेट काफ़ी क्लोज था, एक प्लेयर क्लोज होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कैथरीन ही नीचे क्यों कूदी है, टीम 14 क्यों चिकन ही ना करिए, फिलहाल एक किल कंफर्म किया यहाँ पे, स्टिल थोड़ा बहुत यहाँ पे डैमेज देखने को मिलता है, अब हील बैटर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और आई गेस ये बहुत ही बड़ी गलती है अगर यहाँ से टीम 3 चिकन डिनर नहीं निकालती है, ये सीखने को मिलता है यहाँ पे, क्या सर्कल है गाइस, यू कैन सी है व्हाट अ सर्कल या जोन ऑलमोस्ट 5 सेकंड दूर, हील बैटल यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे बूस्ट करेंगे टीम 14 में पूरी हेल्थ पहुंच जाए यहाँ पे, लेकिन जोन डैमेज देगा, अब कौन सा टीम चिकन डिनर करेगी, अभी लास्ट सर्कल भी सर्कल जोन खत्म हो चुका है, बट आई गेस टीम 14 थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज, टीम 3 फाइनली विल हैव दिस चिकन डिनर, बट आई गेस क्या मैच देखने को मिला हमें टीम 3 की तरफ से, गॉडेस सॉरी टीम डी मिक्स की तरफ से, क्या चिकन है पागल है क्या, वही गाइस यार मुझे समझ नहीं है नीचे क्यों गए थे, किल्स के लिए क्यों गए यार गाइस, इतने किल्स से ऑलरेडी निकाल चुके थे, किल्स की अगर टोटल बात करें तो इनके किल्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 22 किल्स इन्होंने निकाले गाइस, उसके बावजूद ही नीचे क्यों गए मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट जो भी है फाइनली दे हैव अ चिकन डिनर, द मिक्स फाइनली व्हाट अ गेम बाय दिस टीम, लास्ट में हिल बैटल, सो गाइस यही से पता चल रहा है क्या क्रूशियल मूवमेंट्स है गाइस फाइनल्स के, मुझे क्या बोलूँ गाइस मैं क्या बोलूँ गर्ल्स को यार, गर्ल्स देखो यार इस मूवमेंट में आप नीचे जा रहे हो, जहाँ पे आपके पास एडवांटेज है ऊपर रिच का, जोन का एडवांटेज आपको पता है वो प्लेयर ऊपर आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, जोन उसको पहले खाएगा अगर आप थोड़ा बहुत जोन के अंदर रहोगे, बट वहाँ पर थोड़ा जो किस्मत ने साथ दिया जोन ने, लक ने साथ दिया उस टाइम हल्का ऑलमोस्ट 5% वीकेंड से जो लक ने साथ दिया जोन ने, उसी से चिकन डिनर का हुआ, नहीं तो वहाँ पर चिकन डिनर का नहीं होता, अगर फाइट भी लेते वहाँ पर तो आई गेस कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, बट फाइनली दे हैव अ चिकन डिनर, दी मिक्स दैट हैव द चिकन डिनर, बट अ व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द बोथ टीम, टॉप 2 टीम्स के तरफ से क्या परफॉर्मेंस थी इस बार, व्हाट अ गेम बाय टीम दी मिक्स, 22 कल के साथ चिकन डिनर करना ब्रिलियंट थिंग, वो भी फाइनल्स में आके सेकंड मैच में, डे वन के सेकंड मैच में फाइनल एक और टीम मिल चुकी है चिकन डिनर करके दी मिक्स का स्क्वाड, बट गाइस यार क्या मैच था यार, मैं कभी भूलने वाला नहीं गाइस ये मैच मुझकी मुझे याद दिला रहा है PMI's की एक मैच, PMI's में एक मैच हुआ था जो वाटर सिटी के वाटर के साइड वहाँ पर जो जोन बना था वही हल्का फुल्का वाटर वो वाटर बना था, ये कहीं ना कहीं रिच साइड बना था, बट थोड़ा वही
कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वही सेम सिचुएशन था इस टाइम पे। वहां पर वाटर का सिचुएशन था, यहाँ पर रेत का सिचुएशन कि यहाँ से प्लेयर ऊपर नहीं जा सकते, वहां से प्लेयर्स बाहर नहीं आ सकते किसी भी हालत में। वही मैच देखने मिला, वहां पर लैंड नहीं था, वहां पर रिवर पानी था, बट यहाँ पर लैंड था, हमें पानी नहीं था, बट सेम सिचुएशन था, सेम मैच देखने मिला। थोड़ा बहुत मिलता जुलता मैच था थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाई टीम मिक्स। यहाँ पर सेकंड मैच में चिकन डिनर कम बैक बाई दिस टीम विद 22 गोल्स एंड फाइनली हैविंग अ चिकन डिनर 42 पॉइंट एक ही मैच से निकालना, दैट अ ब्रिलियंट थिंग। बट हैशटैग टू पे यूके का स्क्वाड, वेल प्लेड या गाइस, वेल प्लेड। जिस तरह से आपने यहाँ पे होल्ड करा, बट अगर आप ऊपर से अगर आप नीचे गए तो वहाँ पे आपकी भी गलती थी, बट ब्रिलियंट मैच बाई टॉप 3 टीम, टॉप 5 टीम्स। अगर देखा यूके की स्क्वाड यहाँ पे रहेगी 7 किल के साथ, #2 पे, #3 पे ORT का स्क्वाड रहेगा कहीं ना कहीं 12 किल के साथ, और #4 पे ORB का स्क्वाड रहेगा विद 4 किल के साथ, #5 पे टीम हेक्सागन ईस्पोर्ट्स का रहेगा विद 7 किल के साथ, #6 पे बाज आशी का स्क्वाड रहने वाला है विद 2 किल्स, #7 पे क्रूल का स्क्वाड रहने वाला है विद 1 किल, #8 पे VSD फॉर्मेशन विद 1 किल, #9 पर सिंचान का स्क्वाड विद 3 किल्स, #10 पे RTR प्रैक्टिस का स्क्वाड रहने वाला विद 2 किल्स या 2 या 1 किल्स या, एंड #11 में यहाँ पे RAP का स्क्वाड रहेगा विद 1 किल के साथ रहेगा, एंड #12 पे डाओ का स्क्वाड रहने वाला है विद 4 किल्स या, #13 में VSD क्वीन का स्क्वाड रहेगा विद 2 किल्स, #14 में बीला का स्क्वाड, इस बार भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, 0 किल के साथ रहेंगे, हेलमेट होंगे, #15 में यूनाइटेड गर्ल्स का स्क्वाड विद 0 किल, #16 में वैनम का स्क्वाड विद 3 किल, #17 में टीम गूगली का स्क्वाड गॉडेस गर्ल का स्क्वाड इस बार आएगा #17 में विद 4 किल, #18 में यहाँ पे HB मॉर्निंग का स्क्वाड विद 0 किल्स, #19 में बेब का स्क्वाड है, एलिमेंट बेब का स्क्वाड विद 2 किल्स, सासा ओपी बोलते सासा ही सर्वाइव करी थी साइड, वहाँ पे जोन का साथ नहीं था, बट वहाँ पे चिकन कर सकते थे, बट थोड़ा बहुत लक, बट जो गलती यहाँ पे करी है टीम वन ने, दी मिक्स ने, मुझे समझ नहीं आया गाइस, आपने भी देखा होगा क्या गलती उसने करी, उन्होंने करी है तो यहीं से सीखने को मिलता है गाइस, आपको बता दोगे आप देखोगे बाद में आके, तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगह मत जाओ जहाँ जोन आपको फेवर ना करे, जहाँ आपको फेवर कर रहा है वहाँ से आप उल्टा पीछे जा रहे हो, किल्स देना जा रहे हो उनको, तो मुझे समझ गया किल्स के पीछे क्यों भागे आप, वहाँ पे 20 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके थे आप, जोन से वो खुद हेलमेट होते 20 किल के साथ अगर चिकन भी करते आप तो बहुत बड़ी चीज़ थी वो फाइनल्स में, बट आई डोंट नो फाइनल, गुड लक दैट आप चिकन कर गए, एंड #21 में सिनिस्टर का स्क्वाड रहेगा 1 किल्स के साथ, एंड #20 पे अल्फा का नूव का स्क्वाड रहने वाला है, यहाँ पर सिमी का आई थिंक सिमी का स्क्वाड रहेगा विद 0 किल #20 में, तो बट अ विलियम परफॉर्मेंस बट टॉप 5 टीम्स, बट कुछ गलतियाँ हमें देखने को मिली, यहीं से आपको सुधारना होगा, यहीं से आपको उन पर नज़र डालना होगा, यहाँ पर आपको अभी से अगर आप उन पर नज़र डालोगे, अभी से आप इम्प्रूव करोगे, तभी जाके गाइस आप आगे जाके ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी उस टाइम पे, एक चिकन डिनर जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है टॉप 2 में आके भी, अगर आप चिकन डिनर नहीं निकालते वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है गाइस आपके लिए, बट फाइनली गुड लक फॉर यू, गुड लक फॉर योर टीम, आपकी टीम ने फाइनली चिकन डिनर निकाला, जहाँ पर आपका चिकन डिनर बन रहा था पहले से ही वहाँ पर आपने चिकन निकाल ही लिया, दैट्स अ गुड थिंग, बट गलती आपकी थी गाइस गर्ल्स स्क्वाड, आपको देखना होगा वहाँ पे क्या सिचुएशन बना था, जोन किधर के साइड बना था, शिफ्ट किधर हो रहा था, आपकी साइड शिफ्ट हो रहा था पूरा, आप ऊपर से नीचे कूदे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे को क्या बोलूँ गाइस यार, बट फाइनली यू हैव अ चिकन डिनर दी मिक्स। तो यहाँ पे Day 1 का सेकेंड मैच क्या हो चुका है, एंड हो चुका है गाइस, फाइनली एंड हो चुका है, एंड बात करते पहले मैच में इरांगल का मैच हुआ था, पहला मैच हुआ था, किक ऑफ हुआ था इरांगल के मैच के साथ, यहाँ पे RBT के स्क्वाड ने चिकन डिनर किया था, सेकेंड मैच में दी मिक्स विच हैव चिकन डिनर, हु हैव चिकन डिनर, एंड फाइनली विद 22 किल्स गाइस, तो ज़्यादा ही यहाँ पे किल्स निकाले, तो अभी तक हाइस्ट रहने वाला है क्योंकि फाइनल 2 ही मैच हुए, तो अभी तक हाइस्ट किल्स रहने वाले किसी भी टीम के लिए, किसी भी स्क्वाड के लिए, बट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय ईच टीम, क्या परफॉर्मेंस था इस मैच से, पहले मैच में ज़्यादा बसर देखने में, सेकेंड मैच में थोड़ा कम दिखने मिला, बट अच्छा मैच था, बहुत ही अच्छा मैच था, जोन के हिसाब से टीम्स हटती हुई जा रही थी, हेलमेट होती दिख रही थी, जैसे जो जोन क्लोज रहता है टीम एलिमेंट होती हुई दिख रही थी, तो काफ़ी अच्छा था कि हम सभी को कास्ट कर सकते थे, अभी कि हम ऊपर जा सक रहे थे, और काफ़ी अच्छा मैच था, बट गाइस एज यू नो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल, डोंट फॉरगेट टू गिव 1 लाख टू द स्ट्रीम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, सपोर्ट करो यार गाइस, यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से चेक करो, गॉड गेमिंग का सब्सक्राइब करो, एंड यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप गाइस, अगर आपको ज्वाइन करना टाइट थी सब खेलना है, टाइट क्वेश्चन खेलना है, टाइट 1 खेलना है, तो ज्वाइन कर सकते हो टाइट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, अगर कुछ भी पूछना है आपको, कुछ भी पूछना है गाइस
फॉलो करो इंस्टाग्राम में, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ऑफ अंदर 15 to 10 मिनट्स, मिलते हैं गाइस। आईडी पासवर्ड आपको ग्रुप आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा ग्रुप में, और वी विल बैक विद अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जो कि अगला मैच डेट वन का थर्ड मैच जो कि मीरामार होने वाला है। ओपन मैच एकदम आते दिखेंगे टीम्स ओपन मैच में, और डीएमआर यूज करते दिखेंगे गर्ल्स स्क्वाड उसमें, और कहीं ना कहीं उसमें स्नाइपर भी यूज होते हुए दिखेगा। बट काफी अच्छे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला, वहाँ पर किल्स से अगर देखा किल्स पॉइंट के थ्रू देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट मैच होगा। टीम के वहाँ से किल्स निकाल सकते हैं, जो भी टीम यहाँ पर किल चुराना चाहती है आसानी से किल चुरा सकते हैं। बट देखते हैं देखते हो लाइव स्ट्रीम में किस तरह से किल चुराती है, किस तरह से मैच निकालती है। तब तक स्टे ट्यून स्टे सेफ, इंजॉय द स्ट्रीम, इंजॉय द हाईलाइट्स ऑफ द बिफोर पहले मैच का इंजॉय कर सकते हो। तब तक के लिए यहाँ पे जाते हैं हम थोड़ी देर के ब्रेक के लिए, तब तक मैं भी थोड़ा बहुत ब्रेक लेता हूँ, वाटर वाटर पीता हूँ। तब तक मिलते हैं गाइस, तब तक स्टे ट्यून स्टे सेफ, लाइव ऑन एलो 15 मिनट्स, एंड आफ्टर 15 मिनट्स वी विल बैक विद दे वन मैच नंबर 3 मैप होगा मीरामार ओपन मैप यहाँ पे होने वाला। तो मिलते हैं गाइस तब तक, जो जो मैंने बोला गाइस आप फटाफट से काम करो, अपना सब्सक्राइब कर दो चैनल को, गॉड गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव 1 लाइक टू द स्ट्रीम, एंड डोंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं तब तक के लिए, स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ, एंजॉय द स्ट्रीम गाइस।
हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है पबजी मोबाइल विरागो कप गर्ल्स टूर्नामेंट एंड वी आर हियर विद द ग्रैंड फाइनल डे वन मैच नंबर 3। एंड देखा जाए तो पहले मैच में चिकन डिनर देखने को मिल सकता है हमें, सेकंड मैच में चिकन डिनर देखने को मिल चुका है हमें, एंड तीसरा मैच थर्ड सेकंड लास्ट मैच वी कैन से फ्रॉम हियर। आज के मैच का डे वन का सेकंड लास्ट मैच यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो टीम्स खासकर RBT और दो मिक्स दी मिक्स के स्क्वाड जिन्होंने ऑलरेडी पहले चिकन डिनर कर चुके हैं, अगर इस मैच में चिकन डिनर करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास एडवांटेज आ सकता है इस टूर्नामेंट को जीतने का। बट देखते हैं यहाँ पे चिकन डिनर करेंगे या फिर नई टीम है, कोई नई टीम हमें देखने मिलेगी जो कि चिकन डिनर के साथ हमारे सामने आने वाली है। बट बात करें आज का मैच, इरांगल खत्म हो चुका है, सैनोक खत्म हो चुका है और ये तीसरा मैच। यहाँ पे मैप बात करें तो मीरामार का मैप है, बट मैप की बात करें तो इस बार काफ़ी अलग यहाँ पर देखने को मिला। लॉस्ट यूनिट के साइड में ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों बाद हमें दिखने मिला है। यहाँ पर अगर देखें तो प्लेन उसके ऊपर से जाते हुए दिख रहा है। बट ड्रॉप्स की बात करें, ड्रॉप्स यहाँ पे काफ़ी सेफ ड्रॉप्स ले सकते हैं प्लेयर्स, यहाँ पर टीम्स काफ़ी सेफ ड्रॉप ले सकते हैं इस टाइम पे। बट देखा जाए टीम्स के ज़्यादा परफॉर्म करती है देखना काफ़ी नेसेसरी होगा, क्योंकि कहीं भी अगर टीम सेफ कर ले, अगर उनके पास स्किल्स नहीं है तो कभी भी वो एलिमिनेट हो सकती है किसी भी टीम के सामने अगर वो आते हैं। बट आई होप अच्छी अच्छी टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई करके इतने बड़े फाइनल्स में आई हैं, ग्रैंड फाइनल्स के डे वन खेल लिए हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी सभी टीम में। बट देखते हैं फाइनली कौन सी टीम यहाँ से आज के तीसरे मैच में चिकन डिनर करती है। यहाँ पर लास्ट में देखा जाए तो काफ़ी टीम्स यहाँ पर ऑलमोस्ट नज़र आ रही है, बट देखते हैं, आई होप दे विल मूविंग टू सेफ एरियाज। बट देखा जाए टीम 4, टीम नंबर 7 की बात करें वो भी एक साइड जाते दिख रहे हैं। बट टीम 2 और टीम 21 के स्क्वाड की बात करिए, टीम 21 वैनम का स्क्वाड नज़र आ रहा है फिलहाल इस टाइम पर, टीम 2 का स्क्वाड फिलहाल यहाँ पर नजर आएगा। बट देखते हैं कितना से यहाँ पर परफॉर्म करते दिखे प्लेयर्स वैनम, जिनके प्लेयर्स की बात करें रेवन ने एक नॉक निकाला इस टाइम पर, रिवी ने एक नॉक निकाली है फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो MP45 इनके पास है कि टीम 2 पॉट फिक्सी काफ़ी क्लोज होंगे इस टाइम पे, गुगली काफ़ी क्लोज है, बॉट पिक्सी को क्या स्पॉट करेंगे इस टाइम पे। बट यहाँ पे बॉट पिक्सी की बात की, बॉट पिक्सी विल बी देयर यहाँ पे उनके पीछे कहीं ना कहीं अब जाते दिखेंगे इस टाइम पे। बट देखते हैं कितने जल्दी उनको फाइंड आउट करते हैं बॉट पिक्सी इस टाइम पर, लूट करना चाहेंगे इस टाइम पर टीम नंबर 21। इसलिए टीम 2 के प्लेयर्स यहाँ पे अपोजिट साइड में रहने वाले, यहाँ पर हेल्थ किट जरूर मिलते दिखेगी टीम 2 के बाद। यहाँ से आज स्नेहा काफ़ी जल्दी एलिमिनेट हो चुकी है, तो तीसरा मैच है आज भी। यहाँ पे टीम गॉडेस की बात की, टीम गॉड की बात की, गॉडेस गर्ल्स की बात की तो यहाँ पे उतना परफॉर्मेंस इनका देखने को नहीं मिला जब से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था क्वालिफायर्स में। तीन चिकन डिनर ये टीम एक लौटी टीम करी थी, उसके बाद यहाँ पर फाइनल्स में इनके अगर मैच देखे तो उतने अच्छे मैचेस नहीं गए अभी तक, काफ़ी जल्दी एलिमिनेट हो रहे हैं। बट गुगली इस बार देखते हैं कौन यहाँ पे MSD बनता है, और गुगली को यहाँ से डायरेक्ट पवेलियन पहुँचाता है। बट गुगली की बात करें, गुगली स्टिल अ गुड प्लेयर, यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कमबैक करती है, किस तरह से गुगली डालते हुए दिखेंगे यहाँ पर और MSD को आउट करते हुए दिखेंगे। बट देखते हैं कितने गर्ल्स यहाँ पर निकालते हैं, टीम नंबर 19 यहाँ पर रहेंगे, बिला का स्क्वाड यहाँ पर आएगा, 3-4 फीमेल स्क्वाड, टीम 6 का स्क्वाड फिलहाल यहाँ पर नजर आने वाला है। टीम 6 की बात करें VSG, अगर बात करें VSG फॉर्मेशन का स्क्वाड है, 4 फीमेल स्क्वाड है। टीम 21 की बात करें वैनम का स्क्वाड की तरफ से एक किल कंफर्मेशन, जो कि कसम का डे वन का मैच थी का पहला कंफर्मेशन जो उनकी तरफ से देखने। बट टीम 2 को इजी स्पॉट कैच कर स्टैंड, तो कहीं ना कहीं गुगली को यहाँ से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखते हैं स्पार्कल इस सेल बूस्टिंग, अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पर टीम वैनम का स्क्वाड आगे मूविंग करता है, किस तरह से मूव करता है आगे के लिए। बट देखें टीम 2 की बात करें, टीम 2 स्टिल ऑन द सेफ एरिया, सेफ जोन स्टिल देखा जाए तो थोड़ा बहुत फॉल बैक करने के बाद चांस अगर करना चाहें। बट टीम अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका एक नॉक होंगे, प्रियंका गाड़ी से नॉक हो चुके हैं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई किसी ने। बट देखा जाएगा कितना इंपॉर्टेंट मैच जीतता सभी के लिए, उतना किसी एक ऐसी टीम के लिए होगा जो कि सोच के बैठी होगी कि निकालना है तो निकालना है, इस फाइनल्स को निकालना है और जीत के जाना है इस, बोला जाता है इस टूर्नामेंट को गर्ल्स टूर्नामेंट, जो कि हमारा विरागो कप का टूर्नामेंट है, पहला सीजन है। देखते हैं टीम्स आज तीसरे मैच में कौन सी टीम, नई टीम देखने मिलेगी, अभी पुरानी टीम देखने मिलेगी। बट सिमी एक नॉक निकालेंगे, सिम 6 का एक प्लेयर डाउन किया इस टाइम पे, सिम 6 के स्क्वाड की बात करें सिमी की तरफ से एक नॉक डाउन देखने मिलेगा इस टाइम पे। स्लॉट 22 दिखा गाइस, वी आर मूविंग टू स्लॉट 22 एंड स्लॉट 22 की बात करें पिक्सी यहाँ पे BMX है बाज आशिन की तरफ के लिए। बट नूव की बात करें, नूवी एक नॉक निकालेंगे इस टाइम पे, एंड नूवी आई थिंक यहाँ पे सिनेस्टर 6 की बात करें, सिनेस्टर 6 की अगर बात करें यहाँ पे 4 फीमेल स्क्वाड है। नूव की बात करें, नूवी की बात करें यहाँ पे बर्ज कहीं ना कहीं टीम 18 की बर्ज को कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, बट इसलिए यहाँ पे पुष्ट करके कन्फर्म करेंगे। एंड टीम नंबर 11 4 फीमेल स्क्वाड, टीम 18 4 फीमेल स्क्वाड थी, बट अब की फीमेल स्क्वाड सर्वाइव करते देखेंगे। बट टीम सिनेस्टर 6
रोना मंडल का बाप खेल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे सिमी काफी क्लोज है, सिमी सेकंड प्लेयर को भी यहाँ पे फिश करके यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश कर, यहाँ पे टीम एटिंग भी बस बचने की कोशिश कर रहे हैं सिमी वाले, और टीम एटिंग की तरफ से काफी प्यारा नॉक यहाँ पर नोरा की तरफ से M16 का स्प्रे, आम साथ साथ आनिया के बाद आनिया आ चुके हैं सिस्टर सिक्स, एक प्लेयर यहाँ से कंफर्म करने वाली काफी इंटरेस्टिंग बात है। टीम एटीन वर्सेस टीम इलेवन, टीम इलेवन टू फीमेल स्क्वाड स्टिल, थ्री फीमेल स्क्वाड स्टिल सर्वाइविंग, एंड टीम एटीन जो कि ऑलरेडी दो फीमेल के साथ सर्वाइव करिए, चार के साथ कस्टम में आए थे, बट यहाँ पे अब देखना काफी इंपॉर्टेंट और कौन किसको एलमिशन देने वाला, क्योंकि थ्री वर्सेस टू है, टीम सिक्स थोड़ा बहुत हल्का सा बैकफुट में अपने आप को देख सकते हैं इस टाइम पे इस सिचुएशन में, बट टीम इलेवन कैन डू दिस, क्या यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे टीम एटीन को। टीम एटीन जो कि काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छे अच्छे मैचेस इन्होंने निकाले, बट इस सिचुएशन में किस तरह से यहाँ पर हैंडल करते हैं, फॉल बैक करते हैं, यहाँ पे क्या इस फाइट लेना चाहेंगे, इस बार इंगेज करना चाहेंगे इस फाइट में, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मार्क है दोनों टीम्स के ऊपर कि टीम 18 आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन मार्क का जवाब दिया था, यहाँ से फॉल बैक करना चाह रहे हैं उनको, अब आई थिंक स्पॉट हो चुके हैं, तीन प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है इस बार अगर थोड़ा बहुत सेफ जाते हैं थोड़ा बहुत फॉल बैक करते हैं तो आई थिंक यहाँ से ईजिली थोड़ा बहुत टॉप तक पहुँच सकते हैं, बट टॉम 16 की आज तक 15 की बात करें यहाँ पर 16 के काफी क्लोज आएंगे, टीम 15 के स्कॉट की बात करें ब्लड ऑन क्राउन का स्कॉट अपोजिट में वादे का स्कॉट है, कहीं ना कहीं कंपाउंड प्लस वीकेंसी अपार्टमेंट यहाँ पे होल्ड करना चाहेंगे, ब्लड यहाँ पे होल्ड करके बैठी हुई भी है, और आरू की बात करें आरू स्टिल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं AKM प्लस स्कारल यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। एंड अगर वंडर की बात करें वंडर जो कि हमारी अगर बात करें यहाँ पे आई गेस मिनी 14 प्लस AKM यहाँ पे यूज करेंगे, यूनाइटेड ओपी वेटर वेटर सेकंड वेटर सेकंड टीम फोर को दिखाते, फिलहाल टीम फोर के पास चले, यूनाइटेड गर्ल्स का स्क्वाड फोर फीमेल स्क्वाड है, कोई भी इनके सामने नजर नहीं आ रहा है, कुकिंग की तरफ से खेल रही है यहाँ पे, एंड GW3N का स्क्वाड की तरफ से, फिलहाल यहाँ मैच ऐसे बन सकता है इस टाइम पे, सभी टीम पहले सर्कल तक लगभग सभी टीम लगभग ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स कैन सेटल डाउन, सब लूट कर सकते हैं, इजिली लूट अप कर सकते हैं, क्योंकि मैप काफ़ी बड़ा है, टीम्स अलग अलग जगह बिखर सकती है, अलग अलग एरिया में लूट कर सकती है, बट देखते हैं यहाँ पे टीम्स कितनी देर तक तो सर्वाइव करेंगे यहाँ पे, कौन सी टीम लास्ट सर्कल तक लास्ट फाइट तक पहुँच तक सर्वाइव कर सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। बट यहाँ पर टीम्स की बात करें टीम थ्री फोर मूविंग टुवर्ड्स बात करें तो ड्रॉप के साइड यहाँ पर जाएंगे, टीम थ्री की बात करें कितनी जल्दी ड्रॉप लूटते हैं पर देखना होगा, बट टीम नंबर 16 बस टीम 15 एक साइड यहाँ पर फाइट मौजूद रहेगी, फाइट देखने को मिल सकती है इस टाइम पे, बट एक साइड अगर बात करें टीम 2 वर्सेस टीम 21 वर्सेस टीम 19 हमें देखने को मिल सकता है इस टाइम पे। देखा जाए तो लॉस्ट योनो के साइड थ्री टीम्स फिलहाल नजर आ रही है, थ्री टू फोर टीम नजर आ रही है, एंड सभी टीम लगभग अभी सर्कल के अंदर मूव ऑन करने की कोशिश करें, बट टीम 12 यहाँ पे काफी क्लोज है, टीम 12 के स्कॉट RIP का स्कॉट यहाँ पे, अगर बात करें टीम 12 जो कि हमारा ब्लर SL का स्कॉट है, टीम नंबर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टीम नंबर 9 आई थिंक टीम 9 के स्कॉट यहाँ से जाते दिखेंगे, टीम 9 के बाद के एलेक्स डेविस जो कि काफी अच्छी टीम, फिलहाल डेविस की बात तो उनके एक तो लक्षित तो आई थिंक यहाँ पे एलेक्स फीजी को यहाँ पे स्पॉट किया था, बट यहाँ पे नॉन डाउन देखने को मिलेगा, बट डैमेज दिया और साथ ही साथ आई गेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे चुके हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 HP वीकेंड से फ्रॉम हियर, बट क्या डैमेज दिए इनके तरफ से, बीले के स्कॉट की बात कहेंगे, बीले का स्कॉट उस साइड फाइट लेते हुए दिखेगा, वीलॉक के स्कॉट की अगर बात करो यहाँ पे बिलैक टीम 19 का स्कॉट फाइट लेगा, टीम 14 का स्कॉट यहाँ पे नजर आएगा, UKS का स्कॉट, बट टीम 21 के वैनम के बाद का वैनम यहाँ पे एक प्लेयर कंफर्म होते थे, दो प्लेयर कंफर्म हो चुके हैं, लीफी प्लस रीवन स्टिल दिया विद वन किल्स, रीवन की बात की विद वन किल्स, यहाँ पे बिलैक की बात की नियॉन की तरफ से एक नॉकडाउन देखने मिलेगा इस टाइम पे, बैला बात की बट यहाँ पे लीफी सिंगल फीमेल स्कॉट विद यूजी हियर विद M762 कैन डू अ ग्रेट थिंग हियर, बट देखते हैं यहाँ पे टीम वैनम किस तरह से बिलैक की स्कॉट को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे वैनम लीफी की बात के सिंगल फीमेल स्कॉट सर्वाइव करें यहाँ पे, एंड RIP कैप्टन की बात के RIP कैप्टन दूसरी साइड नॉक निकालेंगे, दूसरी तरफ आई थिंक फाइट्स इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है हमें, बात करेंगे तो यहाँ पे टीम नंबर 9 नजर आएगी, टीम 9 की बात की टीम 9 के वाइल्ड वाइल्ड कैट डॉग होंगे, प्राचू की बात करें RTO प्राचू हमने एक मैच में देखा था वहाँ 1v1 सिचुएशन था, उस मैच में जीरो सर्वाइव करे थे बट चिकन रन नहीं कर पाए थे, एंड टीम 12 वर्सेस टीम 9 का एक प्लेयर को स्पॉट कर दे, टीम 12 के टीम 9 जो कि हमारी आज की हमारे एलेक्स डेविस का स्क्वाड है, क्लची विल नॉक डाउन ORB के स्क्वाड का प्लेयर को नॉक करेंगे इस टाइम पे, बट यहाँ पे टीम 15 के साथ फाइट लेती है, यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे फ्लिकर की तरफ से स्वीजन को नॉक दिया गया इस टाइम पे, बट टीम बात करें टीम 15 के स्कॉट यहाँ से टीम 16 से कैसे फाइट लेती है, टीम 16 ऑन द अपोजिट साइड यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं रिवाइवल मिल चुका है, यहाँ पर वंडर को रिवाइवल मिल चुका है, आई गेस हेल्थ या फिर रिवाइव मिल चुका है, यहाँ पर आई सी को स्पॉट हुआ था क्लची की तरफ से, आई सी यहाँ पे बार बार बचते हैं, हेड शॉट कनेक्ट कर सकते थे यहाँ पर क्लची,
बट अच्छी दिखने को किस तरह से M24 का यूज़ करते हैं। हमने बोला था यहाँ पर जाने से पहले, हमने बोला था ब्रेक लेने से पहले, हमने बोला था गर्ल्स यहाँ पे स्क्वाड, यहाँ पे गर्ल्स स्क्वाड, यहाँ पे कहीं ना कहीं वी कैन से प्लेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं M24 प्लस यहाँ पे DMR यूज़ करते मिल सकती, DMR यूज़ करते हुए दिख सकती है इस मैच में, क्योंकि ओपन मैप है उनको पता है। यहाँ पर यही मैच यहाँ पे काफ़ी प्यारा करारा जो आप देखने मिला ORB का करारा, ORB पे करारा शॉट यहाँ पे क्लची की तरफ से, क्लची की तरफ से वॉट आर शॉट फ्रॉम CV के बाद CV यहाँ पे नहीं डालने की कोशिश, बट यहाँ पे डैमेज तो नहीं दे पाएंगे। बट यहाँ पे बात किया जी मॉडी भी काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे पुश करने की कोशिश की टीम 16 के स्क्वाड के बाद आरू नॉकडाउन रिवाइवर मिल चुका है इस टाइम पे। आरू को क्या करारा जवाब मिला था उस टाइम, क्या करारा शॉट मिला था उस टाइम M24 का, बट काफ़ी प्यारा था। हम तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लूल ब्रो कैसी कैसी बातें करो ब्रो। बट ORB बात कर ले, ORB यहाँ पे आयुषी की बात कर, आयुषी के कहीं ना कहीं मॉली डाली गई है, बट यहाँ पे हेल्थ ऑलमोस्ट हाफ वीकेंड से गाइस ये क्या बोल रहे हो, ORB के स्कॉट गाली दी जा रही है, ORB के स्कॉट कौन कौन दिया यहाँ पे, कौन दिया गाइस, मुझे थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ क्या क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इन बात को तो पूरा नोटिस दिया गया कि ऑल पे कोई कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे किसी एक टीम में तरफ से, टीम 15 या टीम 16 की तरफ से यहाँ पे गाली दी गई। फिलहाल नेट आएगा, नेट डैमेज देगा एंड डेम, ये नेट काफी क्रूशियल नेट वी कैन से फ्रॉम हियर, बट देखते हैं टीम 15 कितने तरह पुश करेंगे इस पे। मैनेजमेंट इफ यू आर सीइंग इट, और अगर आप बाद में देखो तो ये क्लिप जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदी गंदी गाली वीकेंड से यूज करी गई है। मेरा कुत्ता भी तुम्हारे जैसे ही है। फिलहाल अभी तो हम कुत्ते पर नजर नहीं डालेंगे, तो बात कर रहे थे टीम 15 यहाँ पे, लेकिन 8 बिट की बात के, 8 बिट यहाँ पे एक डॉक के साथ नीड आएगा, हमें नीड क्या डैमेज देगा टीम 16 को, टीम 16 इनसाइड इनसाइड जरूर होल्ड करेंगे, साथ इनसाइड अंदर वाले एरियाज में होल्ड करने वाले इस टाइम पे, टीम 15 स्टिल होल्ड करेगी। अब टीम 8 अगर बात करें 8 बिट की तरफ से एक डॉक डाउन, टीम 16 का एक डाउन होगा, टीम 15 स्टिल दिया सीवी नॉक निकालेंगे इस टाइम पे, सीवी की तरफ से काफी प्यारा नॉक डाउन यहाँ पे देखने मिलेगा, सीवी स्टिल दिया, सीवी पुश करेंगे इस टाइम पर, सिनी विल बी एलिमिनेटेड यहाँ पर, काफी प्यारा मैच है 1v1 यहाँ पे, काफी वंडर की तरफ से काफी प्यारी फाइट यहाँ पे, वंडर फाइनली यहाँ पे फाइट लेंगे। बट यहाँ पर टीम 15 यहाँ पर क्लच के बाद क्लची नॉक डाउन नहीं, इस तरह HB मॉर्निंग के बाद HB मॉर्निंग स्टिल वन फीमेल स्क्वाड, यहाँ पे टीम 16 के पास एडवांटेज है, वंडर स्टिल वंडर यहाँ पे फाइट लेंगे, वंडर पुश करे कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करो, यहाँ पे HB मॉर्निंग थोड़ा बहुत फॉल बैक कर फाइट थे, यहाँ पे ऑलरेडी क्लची नॉक डाउन है, बट इनको इस टाइम पर रिवाइव देना होगा, क्लची को रिवाइव देना इस टाइम पर नेसेसरी है, क्योंकि टीम 16 के बाद के टीम 16 इस टाइम पे ऑन द फ्रंट फुट नजर आई, पूरी तरह से बैक फुट में यहाँ पे टीम 15 का स्क्वाड है, टीम 16 की तरफ जो पुश हुआ था इस टाइम पे, यहाँ पे देखा गया था हमने सीवी ने एक टॉक जरूर निकाला था, काफी अच्छा माइंड यूज किया था वहाँ पे, बट नेट डैमेज देखा इस टाइम पे टीम 16 की तरफ से नेट आएगा, बट इंटरेस्टिंग टू सी कितनी जल्दी यहाँ से हेलमेट कर, तुम भी अपना नाम टॉम रख लो, ओके ओके श्योर श्योर टॉमी रखेंगे, बट 1v1 यहाँ पे ORB आरुनो को क्लची का स्क्वाड यहाँ से फाइनली हेलमेट हो दिखेगा। टीम 15 आपका व्हाट्सएप नंबर दो ना ब्रो, मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ करोगे, व्हाट्सएप नंबर का कहाँ करोगे गाइस, कहाँ करोगे। फिलहाल टीम 10 की बात कर ले, टीम 10 मूविंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पर देखा था टीम 2 का स्क्वाड आएगा, टीम 2 की बात की गूगली स्टिल दिया, गूगली अभी तक कोई गूगली नहीं डालती थी, फिलहाल टीम 10 की तरफ यहाँ पे गूगली डालने की कोशिश करी थी गूगली ने, बट VSG की तरफ से एक नॉक डाउन फ्लाइट पे देखने मिलेगा, ORB बिहान ओपन की तरफ से, इस भाई टॉक्सिक कौन है ये, इस भाई टॉक्सिक कौन है, टॉक्सिक आई डोंट नो गाइस कौन क्या है, मुझे नहीं पता कौन कौन है, बट जो भी है आई डोंट नो, बट यहाँ पे गूगली की तरफ से काफ़ी अच्छा स्प्रे था विदाउट रिकॉयल, यहाँ पे थोड़ा M4 थोड़ा रिकॉयल कम करता है अगर प्रोन डाउन होकर अगर हम स्प्रे देते हैं, बट काफ़ी अच्छा रिकॉयल कंट्रोल था। VSC की स्क्वाड के बाद के VSC दूसरा फॉट फाइट लेंगे, आप बात ही करेंगे राहुल सर बातें करेंगे, और फिलहाल बात कर ले VSC यहाँ पे अगर बात के हिट गर्ल यहाँ पर चला जीरो किल्स, यहाँ पर देखा जाए तो गाइस मुझे कोई बातें नहीं करनी है, मुझे कोई बातें नहीं करनी है गाइस, ज़्यादा स्कैम मत करो यहाँ पर बॉयज़ स्पेशली बॉयज़, फिलहाल ये पहला कस्टम नहीं है जो कि मैं और कास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कास्ट कर चुका हूँ अभी तक 200+ कास्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश ना करे कोई भी,
चल वीएससी की बात की, वीएससी क्लेवर पांडा स्टील या विदर टू किल्स या हिट गल दिया। क्रूल की बात की, क्रूल का स्कॉट यहाँ पर नॉकटी करेगा। यहाँ पर क्रूल के स्कॉट की बात की तो क्रूल का स्कॉट यहाँ पर ऑलरेडी वन किल के साथ है, फाइट लेंगे टीम ट्वेल्व से। टीम ट्वेल्व का स्कॉट यहाँ पर थ्री वर्स फोर सिचुएशन स्टैम पड़ेगा, बट यहाँ पर ब्लीस स्टील दिया। बट देखते हैं टीम ट्वेल्व का स्कॉट जो कि अपोजिट साइड में होल्ड करेंगे स्टैम पर, कहीं ना कहीं ब्लीस स्टील दिया। ब्लीस थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं, बट यहाँ पर देखने होगा किस तरह से इनकी फीमेल स्कॉट यहाँ पर सर्वाइव करती है। थ्री वर्स फोर है टीम ट्वेंटी, क्रूल का स्कॉट है वीएससी हिट गल यहाँ पर नॉकडाउन करेंगे इस टाइम पे। बट यहाँ पे इससे पहले वीएससी के स्क्वाड पे अगर नजर डालें, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मैच है, काफी प्यारा मैच है। वीएससी हेड गर्ल जो कि एक और नॉक निकालने वाली किल को कंफर्म करने वाली है। बात करेंगे टीममेट का स्क्वाड यहाँ पर रहेगा, टीममेट प्रियंका यहाँ पर इनको मिलेगा, बट टीम नंबर सिक्स इनको एलिमिनेट करने की कोशिश फिलहाल स्पेन जरूर देखेंगे की तरफ। बट आगे से तक स्पेन है, बट बस डाउन करने की कोशिश करी इस टाइम में वीएससी हेड गर्ल ने। बट अगर बात की वीएससी कैलिन की बात की, कैलिन ने स्टिल दिया। बट टीम नंबर एट जो कि हमारी आज की नो फियर का स्क्वाड है, तो काफी तीसरे मैच में नजर आ रही है वीएससी नो फियर का स्क्वाड। यहाँ पे सोनाली वाइटी की बात कर स्टिल दिया, प्रियंका स्टिल दिया, दो प्लेयर इनके कंफर्म हो चुके हैं, सिंचैन कंफर्म हो चुकी है यहाँ से, हरिका कंफर्म हो चुकी है यहाँ से। बट देखते हैं टीम सिक्स यहाँ से कैसे मूव विन करते हैं, मूव आउट करते हैं। यहाँ से सिचुएशन एक नॉक यहाँ पे सोनाली वाइटी इस टाइम में नॉक होंगे, बट एक प्लेयर काफी क्लोज आई थी यहाँ पे वन वर्सेस वन देखने मिलता है। बट यहाँ पे काफी टफ सिचुएशन अब बन चुका है टीममेट के, नो फियर के स्क्वाड ऑन द बैकवर्ड। यहाँ पे हिट गर्ल काफी क्लोज है, हिट गर्ल की बात की, हिट गर्ल क्या यहाँ से स्पॉट करेंगे, हिट गर्ल स्पॉट करने की कोशिश करें। बट प्रियंका यहाँ पे फाइनली नॉक होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे फाइनली नॉक डाउन एंड दे विल बी कंफर्मिंग अब टीममेट हैज बीन एलिमिनेटेड बाय टीम सिक्स। काफी इंपॉर्टेंट मैच था इस कमेंट्री से, अच्छा तो मैं आ जाऊँ इस कमेंट्री से, अच्छा तो मैं आ जाऊँ, मैं समझा नहीं गाइस, मैं समझा नहीं। फिलहाल टीम टू की बात कर ले, टीम टू जो कि हमारा गॉडेस गर्ल का स्क्वाड है, इस छी भाई टीम टू की स्क्वाड की बात करें जो कि हमारा गॉडेस गर्ल का स्क्वाड है, स्टिल जीरो गर्ल। टीम थ्री की स्क्वाड की बात करें, टीम थ्री यहाँ पर दीमिक्स का स्क्वाड है जो कि थ्री किल्स निकाल चुका है ऑलरेडी। एंड टीम फोर की बात करें, टीम फोर जो कि यूनाइटेड एस गर्ल का स्क्वाड है विद अ जीरो किल्स। एंड टीम फाइव की बात कर ले, टीम फाइव ही विद आर बी डी स्क्वाड जो कि पहले चिकन डिनर कर चुका है, डीमिस का स्क्वाड भी चिकन डिनर कर चुका है, आर बी डी विद अ जीरो किल्स। थ्री फीमेल स्क्वाड स्टिल सर्वे करें। टीम सिक्स की बात करेंगे, टीम सिक्स स्टिल वी एस जी फॉर्मेशन का स्क्वाड है, किल्स की बात करें टोटल फाइव किल्स यहाँ से निकाल चुके हैं। एंड टीम सेवन की बात करें, टीम सेवन जो कि हमारे एलिवेंट न्यून वेब का स्क्वाड है, नीनादी ब्रो सो जाओ, सो जाओ गाइस, सो जाओ जिसको सोना है सो जाओ। बट टीम नाइन के स्क्वाड की बात करें, टीम नाइन जो कि हमारे अलग जीवस का स्क्वाड है, टू फीमेल स्क्वाड है। ब्लिस की बात करें, ब्लिस दूसरा साइड नॉक डाउन करेंगे इस टाइम पर। टीम ट्वेल्व का स्क्वाड इस टाइम फाइट लेगा। टीम ट्वेल्व की बात करें, पोजिट साइड में क्रूल का स्क्वाड रहने वाला है, टीम क्रूल बस टीम ट्वेल्व जो कि हमारा टीम ट्वेल्व की स्क्वाड की बात करें। ब्लर एक्स गर्ल का स्क्वाड है, यहाँ पे स्मोक डालने की कोशिश करें। बट यहाँ पे टीम ट्वेंटी किस तरह से यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे टीम ट्वेल्व को, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट टीम ट्वेल्व ब्लिस की बात करें, ब्लिस यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश करें। सिनिस्टर सिक्स की प्लस यहाँ पे नॉकडाउन निकालेंगे। सिनिस्टर सिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट टू प्लस स्टिल सर्वाइव करें, यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करें। सिनिस्टर सिक्स स्टिल फाइट लेगी इस टाइम पे, सिनिस्टर सिक्स आनिया की बात करें स्टिल फाइट लेते दिखेंगे इस टाइम पे। और देखना होगा यहाँ पे नोरा दो किल के साथ जो कि अभी पोशन कर रहे हैं, यहाँ पे जोन के अंदर जाना होगा इनको। बट स्टिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैथिन की बात करें, टीम थ्री के स्कॉट की बात करें, वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम थ्री डीमिक्स का स्कॉट पिछले मैच में चिकन रखा था, बट इस मैच में टोटली बैकफुट में रहेंगे। यहाँ पे अंकिता की बात करें, अंकिता स्टिल दिया। यहाँ पे एली की बात करें, एली की बात करें स्टिल यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल बात के एट बिट क्वीन की बात के स्टिल है थ्री गर्ल्स या। बट देखा जाए तो यहाँ पे टीम टेन का स्कॉर्ड रहेगा, टीम टेन यहाँ पे ओ आर टी का स्कॉर्ड रहेगा। स्लॉट फाइव दिखाओ, स्लॉट फाइव देखिए क्या करोगे गाइस, आप स्लॉट फाइव देखिए क्या करना आपको। बट टीम नाइन के स्कॉर्ड की बात करते, टीम नाइन स्टिल विद टू फीमेल स्कॉर्ड। टीम टेन की बात करें, ओ आर टी का स्कॉर्ड है, यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करें। टीम थ्री का स्पॉट करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे। ओ आर बी का स्कॉर्ड की बात करें, ओ आर बी का स्कॉर्ड यहाँ पर, ओ आर बी आर टी आर की तरफ यहाँ पर प्राचु की तरफ स्पीड देने की कोशिश करी थी, एम फोर विद फोर एक्स। बट देखते किस तरह से यहाँ पर एलमिशन दे पाएंगे। बट विद सिक्स फाइव किल्स यहाँ से निकाल, अगर देखा जाए तो ओ आर बी का स्क्वाड यहाँ से अगर देखा जाए फाइव किल के साथ है। टीम नंबर 16 जो कि हमारा ओ आर बी मिस्टी का स्क्वाड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टे देने की कोशिश करी थी। ब्लर की तरफ से एक नॉकडाउन देखने मिलेगा इस टाइम पे। बट यहाँ पे ब्लर कस्टी की बात करें, ब्लर कस्टी यहाँ पे नॉकडाउन निकालेंगे। ब्लर कस्टी के स्क्वाड की बात करें, टीम नंबर 12 यहाँ पे जो कि हमारी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्लर एस गर्ल का स्क्वाड यहाँ पर। मैंने पी ओ बी लेने गाइस इतनी जल्दी। फिलहाल टीम ट्वेल्व की बात कर ले, टीम ट्वेल्व विद फोर किल्स या। एक बार मैप में नजर तो जोन काफी छोटा हो चुका है। टीम थ्री के स्कॉड की बात करें, टीम थ्री जो कि दी मिक्स का स्कॉड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट देते दिखा। टीम टेन की तरफ यहाँ पे काफी प्यारा ओम का शॉट अंकिता की तरफ से, अंकिता यहाँ पे कनेक्ट करते दिखे इस टाइम पर। टीम एक्स अंकिता तरफ से काफी प्यारा ओम का शॉट। इस बार आई थिंक टीम नंबर थ्री विल मूविंग टुवर्ड्स टीम नंबर 10 आई थिंक। यहाँ पर टीम नंबर 12 और 7 यहाँ पर नजर आ रही है, बट टीम 7 के स्कॉड की बात है, लेकिन आएंगे वो आपस में मूवमेंट हिसाब सूटा लेके।
फिलहाल बात कर ले टीम सेवन स्टिल या पिक्स की बात के पिक्स यहाँ पे एक नॉक निकालने वाली इस टाइम पे अनसरिस्टर सिक्स नोरा की बात कर स्टिल सिंगल फीमेल स्कॉड सर्वाइव करेंगे टू फीमेल स्कॉड अगर अनन्या की बात क्या अनन्या यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे सीधी तरह सर्कल के अंदर जाना होगा यूके के स्कॉड की बात कर यूके स्कॉड यहाँ पे पहला नॉकडाउन इनके प्लेयर का उसका फिलहाल दूसरा प्लेयर नॉक करके बाजासी को नॉक कर चुके इस टाइम पे और विक्सी की बात की विक्सी तरह से किल्स निकालते अक्वा के बाद अक्वा स्टिल दिया यहाँ पे टीम टाइटिन को स्पॉट कर चुके टीम टाइटिन डाउन स्पॉट के तरफ यहाँ पे डैमेज दिया जैसी की बात की जैसी यहाँ पे हील अप करेंगे बट यहाँ पे अगर विक्सी की बात की विक्सी तरह से किल्स निकालते हैं एम सिक्सटीन का यूज करेंगे टीम ट्वेंटी की तरफ से यहाँ पे फिर तीन लोग इसके बाद यहाँ पे एम फोर यूज कर चुके कहीं ना कहीं डैमेज ले तो दिखेंगे इस टाइम पे बट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि किस तरह से किल्स निकालते ओ आर टी के स्कॉट की बात की ओ आर टीम दूसरी तरफ ब्लिट्स ओपी के स्क्वाड यहाँ पे फाइन निकालना चाहेंगे यहाँ पे मोड़ने के बाद की निकल गई बट यहाँ पे यूकेस के स्क्वाड के बाद एक नॉक यहाँ पे निकालेंगे यूकेस का स्क्वाड फाइन टीम डाओ के प्लेयर को एक और नॉक यहाँ पे सीधा नॉक डाउन हो गया एंड फाइनली टीम डाओ आई गेस यहाँ से एलमेट होते दिखेंगे भाई कितनी लड़की को फ्रेंड भेजिए सच्ची बता ब्रो किसी से भी पूछ लेना अगर किसी को भेजी होगी तो मेरा नाम बदल देना मैं अपना चैनल छोड़ दूँगा अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजी कि मेरा नाम बदल देना ये मैं बोल के ले रहा हूँ और तुम्हारे मुंह पे बोल के कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी एक बंदी को भी किसी एक लड़की को भी रिक्वेस्ट भेजी होगी पी के एम के भी नहीं रह जाए पूछ लेना चाहे अपनी बंदी से पूछना चाहे अपनी बहन से पूछना जो भी है तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ अगर रिक्वेस्ट भेजिए तो मैं ये चैनल जिसमें जो मेरा चैनल है गॉड गेमिंग का उसी चैनल को मैं खुद हटा दूँगा उस चैनल में खुद हट जाऊँगा मैं आपके मुँह पे तुम्हारे मुँह पे लेके बोल रहा हूँ तुम्हारे मुँह पे बोल रहा हूँ खुला बोल रहा हूँ हिम्मत है तो जो पूछना है किसी से पूछो अब बाकी तुम्हारी मर्जी है इट्स ऑल अपॉन यू मेरा काम है कास्ट करना तुम्हारा काम है मस्ती करना इट्स ऑल अपॉन यू बट टीम टू की बात कर ले टीम टू यहाँ पे टीम फोर्टीन को हेलमेट करेंगे स्टाम पे एंड टीम टू के बाद के बॉक्स पिक्स यहाँ पे नॉक होंगे गूगली स्टिल दिया गूगली की तरफ से यहाँ पे टीम टू की तरफ जाएंगे टीम टू स्टिल मूविंग टू टीम फोर्टीन यहाँ पे रफ कैट रहने वाले टीम फोर्टीन के स्कॉट के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉकडाउन होते दिखेंगे प्लेयर यहाँ पे डैमेज ज़्यादा देते दिखेंगे कास्टर ट्रिगर चल बात कर ले टीम 14 यहाँ पर अगर बात की टीम 14 यूकेस के स्कॉट यहाँ पे टीम 16 के प्लेयर को हेलमेट करने की कोशिश करें फाइनली यहाँ से काफी प्यारा एलिमिनेशन दिया विद एक किया मैच पे स्प्रे दिया था बट टीम नंबर 14 के बाद यहाँ पे एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन होगा टीम 2 के स्कॉट के बाद टीम 2 बॉट पिक्सी काफी अच्छा कलर टीम 14 ऑन द बैकफुट जोन साथ ही साथ डैमेज है बीला के स्कॉट बॉट पिक्सी जिसे नाम वैसे कम बट बात करें बीला का स्कॉड ऑलरेडी यहाँ से किल्स के बात करें सेवन किल्स यहाँ से निकाल चुके हैं तो बात करें तो यहाँ पर टीम 19 का स्कॉड यहाँ पर डैमेज दे तो दिखेंगे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हील जरूर करेंगे इस टाइम पे अपने प्लेयर को उससे पहले रिवाइव देगा टीम 17 के स्कॉड की बात करें टीम 17 यहाँ से फाइट लेंगे म्याओ की बात करें म्याओ यहाँ पर होल्ड करेंगे इस टाइम पर श्वेता की बात करें श्वेता यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्ड करना चाह रहे हैं पर टीम 19 के प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश करें यहाँ पे इडियस के थ्रू यहाँ पे विद थ्री यहाँ पर स्पे देने की कोशिश करेंगे बट यहाँ पे आरएफ कैट की बात करें टीम 14 को अगर यहाँ से हेलमेट कर चुके टीम 20 के स्कॉड के तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं एलमेट करने की कोशिश एक नॉक यहाँ पे क्या हो सकता है क्रूल कृतिका यहाँ पे उतरी थी बट काफी इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे बन चुका था टीम 20 स्टिल लिया काफी टीम हैज टेक 11 टीम स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकन एरा टीम 20 की बात करें टीम 20 स्टिल विद अ वन किल वन नॉक डाउन ईयर वन कैजुअल्टी ईयर वैनम की बात करें वैनम ब्लू फी स्टिल सर्वाइव करने वाले सिंगल फीमेल स्कॉट स्टिल सर्वाइव करते दिखेंगे क्रूल के स्कॉट की बात करें टू फीमेल स्कॉट स्टिल सर्वाइव करेगा बीला के स्कॉट की बात करें बीला के स्टिल दिया बीला विद 7 किल्स दिया टीम 17 की बात करें टीम 17 हैक्सन ईस्पोर्ट्स का स्कॉट विद 0 किल्स दिया ब्लिस की बात करें ब्लिस टीम 12 का स्कॉट यहाँ पे फाइट लेते दिखेगा काफी इंपॉर्टेंट फाइट काफी इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पे लास्ट रिकल का टीम 19 वर्सेस टीम 12 यहाँ पे ब्लिस एक नॉक सेकंड नॉक यहाँ पे ब्लिस लेकिन एलमेट होते दिखेंगे इस मैच में एंड टीम 4 के बाद टीम 4 वर्सेस टीम 17 टीम 17 के बाद टीम 17 यहाँ पे फाइट लेंगे टीम 17 वर्सेस टीम 4 यहाँ पे देखने मिलेगा टीम 2 वर्सेस टीम 2 दूसरी साइड देखने मिलेगा बट काफी इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पे सभी टीम हैज द थर्ड मैच है डे 1 का फाइनल्स का एंड ड्रॉप देखा जाए ड्रॉप काफी क्लोज ग्रस्त टाइम पे और टीम 17 क्या यहाँ से टीम 4 का हेलमेट करेंगे टीम 4 स्टिल 4 वर्सेस 3 का सिचुएशन इस टाइम पे टीम 2 बात करेंगे टीम 2 की टीम ऑन द बैकफुट यहाँ पर नजर आने लगी गूगली काफी क्लोज आई थिंक यहाँ पे गूगली काफी क्लोज नजर आ रही है और देखा जाए टीम 2 का स्क्वाड स्टिल यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम 20 के यहाँ पे क्यूल का एक स्क्वाड यहाँ पर जिनका इनको क्यों नहीं मारना चाह रही यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं यहाँ पे लेकिन इजिली स्पॉट कर सकते थे यहाँ पे गूगली ऊपर जाएंगे गूगली ऊपर जाने करके पुश करेंगे यहाँ पे 1 वर्सेस 3 सिचुएशन जिंकाल आएंगे यहाँ पर जिंकाल एक नॉक देने को सके जिंकाल आरएफ कैट को यहाँ पे नॉक किया फिलहाल 2 नॉक यहाँ पे 1 वर्सेस 2 कर चुके एंड फाइनली क्रूल क्या यहाँ से बॉट पिक्सिंग को कैलमेट करेंगे इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट मैच दूसरा टीम 4 वर्सेस टीम 3 यहाँ पर देखने मिलेगा बट यहाँ पे टीम 2 ऑन द बैकफुट क्रूल की तरफ से काफी प्यारा नॉकडाउन देखने मिलेगा इस टाइम पर क्रूल की बात करेंगे
यहाँ पे बॉट पिक्सी की बात करें, बॉट पिक्सी स्टिल दिया, बट यहाँ पे देखना होगा किस तरह से यहाँ पे हेलमेट करते हैं। टीम थ्री की बात करें, टीम थ्री से हमें फाइट लेंगे, टीम फोर की तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पॉट कर चुके, यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर का स्पे देखने कोशिश करेंगे अभी। और अगर बात करें अंकिता, यहाँ पे इनका नेट ऑफ हुआ था, क्या होता मुझे समझ नहीं, बट टीम सिक्स आएगी नॉक डाउन करेंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे इस टाइम पर। टीम थ्री का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक कन्फर्म करने की कोशिश यहाँ पे ऑम उनके पास थी, बट यहाँ पे बात करें टीम टेन का स्कॉट सिंगल फीमेल स्कॉट, टीम सेवनटीन की बात करें टीम सेवनटीन स्टिल दिया, टीम थ्री का स्कॉट है, टीम थ्री के प्लेयर को एक नॉक यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉक निकाल तो काफी प्यारा नॉक यहाँ पे निकाला है, बट टीम थ्री स्टिल दिया यहाँ पे प्लेयर को कन्फर्म करेंगे स्टिल दिया, बट टीम फोर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीम थ्री से फाइट लेंगे, टीम थ्री वॉज ए टीम फोर, टीम थ्री हैज बीन एलिमिनेटेड बाय टीम फोर, टीम नाइनटीन का स्कॉट स्टिल, फोर फीमेल स्कॉट जो कि काफी अच्छा यहाँ पे एडवांटेज बना रहा है, काफी अच्छा सिचुएशन यहाँ पर नजर आया, बट देखना होगा क्या यहाँ से टॉप थ्री टीम्स मिल चुकी है। अब टीम नंबर टू यहाँ पे आ चुके फाइनली, टीम फोर को एलिमिनेट करेंगे, टीम टू का स्क्वाड, टीम फोर हैज बीन एलिमिनेटेड बाय यूनाइटेड एज गर्ल्स, हैज बीन एलिमिनेटेड बाय टीम गॉड एज गर्ल, थ्री वर्सेस फोर है। बट देखा जाए तो टीम 19 यहाँ पे जो कि हमारे बी लक का स्क्वाड है, टीम टू थ्री फीमेल स्क्वाड है, टीम 19 के एक प्लेयर डाउन होंगे इस टाइम पे, बी लक बेला डाउन रहेगी इस टाइम पे, बट स्मोक के बाद फिलहाल एक और नॉक यहाँ पे टीम टू की तरफ से, काफ़ी प्यारा नॉक मुझे समझ नहीं आया कैसे यहाँ पे नॉक निकाल गए, बट जो भी अच्छा था काफ़ी प्यारा नॉक था टीम 19। यहाँ पे सांसा को भी क्या नॉक निकाला इस टाइम पे, यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एसकेएस यूज़ कर रहे हैं, एसकेएस विद सरप्राइज हो गया, बट काफ़ी क्रूशियल नॉक्स टू नॉक्स निकाले थे इस टाइम पे, पुश कर सकते हैं यहाँ पे, गुड हटाता हगता है हगता है, बट गु जो भी हग रहा है देख रहे हो आपको गूगली इस टाइम, यहाँ पे काफी तगड़ा गुगली डाल दिया, यहाँ पे काफी अच्छा कमबैक है टीम टू की तरफ से, गॉडेस गर्ल की तरफ से काफी प्यारा कमबैक है। फिलहाल एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश करेंगे टीम टेन, अगर बात की टीम 19 के बाद टीम 19 के ऑलरेडी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन होंगे, एक प्लेयर के हील करते थे इस टाइम पे, एक प्लेयर को रिवाइव मिल चुका है, सेकंड प्लेयर को रिवाइव मिल रहा है, फोर वर्सेस थ्री का सिचुएशन, नेड यहाँ पे आएगा, नेड काफी क्रूशियल नेड हो सकता है इस टाइम पे, और देखना काफी नेसेसरी होगा क्या यहाँ पर नेड डैमेज देगा। एक साइड टीम टू है, एक साइड टीम 19 का स्क्वाड है, काफी टफ सिचुएशन दोनों टीम में, क्योंकि टीम टू की अगर बात की टीम टू जानी जाती है कमबैक ले, और इस मैच में उन्होंने दिखाया, टीम 19 के बाद के बीलक पहली बार आई गेस यहाँ पे जो तीसरा मैच है हमारा पहली बार यहाँ पे आए टॉप फाइव में, एंड गूगली की टीम वो भी यहाँ पे टॉप फाइव में पहली बार आए गॉड स्किल के स्कॉट, बट यहाँ पे टीम बीलक का स्कॉट का एक प्लेयर यहाँ पे डाउन होगा, बॉट पिक्स यहाँ पे नॉक होंगे, टीम बीलक का यहाँ पे दो प्लेयर ऑलरेडी डाउन है, यहाँ पे बीलक न्योन की बात की, न्योन क्या यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्या यहाँ से पे देंगे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवाइव देने की कोशिश चालू रहेगी, दोनों साइड रिवाइवल मिलेगा प्लेयर्स को, दोनों साइड रिवाइव देते दिखेंगे, एक एक प्लेयर एक एक प्लेयर को रिवाइव दे रहे, आर एफ कैट थोड़ा यहाँ पे फ्लैंक मारने की कोशिश करेंगे, फ्लैंक मारते मारते न्योन की बात की, न्योन यहाँ पे नॉक देने की कोशिश, न्योन यहाँ पे नॉक टिकालेंगे, काफी प्यारे नॉक्स, बीलक बेला की बात करें विद फाइव गर्ल्स यहाँ पर कैट को कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे, कार्ड की बात करें कैट कहाँ से कन्फर्म होती दिखेंगे, गूगली बात की गूगले कहाँ पे काफी लोग गूगली वर्सेस बात की न्योन, बट न्योन फाइनली बीलक विल हैव द अच्छी करने ना इन दिस मैच, अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट मैच हो सकता था इनके लिए, एंड फाइनली उन्होंने दिखाया क्यों ये टीम जाती जाती है जानी जाती है फॉर दिस टफ मैचेस फॉर दिस फाइनल्स, ये काफी अच्छा दिखाया उन्होंने। अगर बात करें बीलक की स्क्वाड जो कि फाइनली चिकन डीनर कर चुके तीसरा मैच में, काफी इंपॉर्टेंट मैच है देखा जाए तो, काफी प्यारा बीलक वेस्ट की स्क्वाड यहाँ पे, बट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम गॉडेस गर्ल, सेकंड नंबर पे जरूर है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत निराश रहेंगे इस टाइम पे, बट बात करें गूगली विद अ वन किल शेयर इस टाइम गूगली अपनी डाल नहीं पाए, बट यहाँ पे भी लाइक स्कॉट काफी प्यारा एलिमेट किया। टोटल किल्स की बात करें यहाँ पे टोटल किल्स यहाँ पे देखा जाए इनके तो कहीं ना कहीं 15 किल के साथ यहाँ पे हैशटैग वन पर है भी लाइक स्कॉट, तो यहाँ पे हैशटैग टू पे यहाँ पे कहीं ना कहीं रहने वाली गॉडेस गर्ल का स्कॉट विद 5 किल, हैशटैग थर्ड पे यहाँ पे देखा जाए तो यूनाइटेड गर्ल्स का स्कॉट है विद वन किल, हैशटैग फोर पे वीएसजी का स्कॉट रहने वाला है विद 9 किल्स, हैशटैग 5 पे टीम हेक्सागन ईस्पोर्ट्स का स्कॉट है विद 2 किल्स, हैशटैग 6 पे हैशटैग 6 पे बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 किल के साथ यहाँ पर रहेगी ओआरटी का स्कॉट, हैशटैग 7 पे यहाँ पर रहने वाले दी मिक्स का स्कॉट, दी मिक्स की बात कर ले दी मिक्स इस मैच में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टोटल किल्स आई थिंक 6 to 7 किल्स यहाँ से इन्होंने निकाले यहाँ पे, और अगर हैशटैग 8 में देखा जाए तो वेनम के स्कॉट रहेगी विद 4 किल्स, या हैशटैग 9 पे क्यूल का स्कॉट रहेगा विद 1 किल्स, या हैशटैग 10 पे यहाँ पे आरआईपी का स्कॉट रहने वाला है विद 6 किल्स, या हैशटैग 11 पे यहाँ पे आरटी अपराची का स्कॉट रहेगा विद 2 किल्स, या और यहाँ पे यूकेएस के स्कॉट की बात करें तो यूकेएस का स्कॉट यहाँ पे अगर इनका देखा जाए तो यहाँ पे किल्स की अगर बात करें इनके तो लेट्स सी कितने किल्स यहाँ पर देखेंगे 5 किल्स के साथ, हैशटैग 12 पे, हैशटैग 13 पे ओआरबी का स्कॉट विद विद
सिक्स किल्स या हैशटैग 14 में यहाँ पे बाज का स्क्वाड रहेगा विद जीरो किल्स, या हैशटैग 15 में वीएसजी का स्क्वाड रहेगा पे विद जीरो किल्स, हैशटैग 16 में सिस्टर सिक्स विद टू किल्स, नोरा ने दो किल्स निकाला अपनी टीम के लिए, हैशटैग 7 में बेब का स्क्वाड विद वन किल, हैशटैग 18 में डाव का स्क्वाड विद वन किल, हैशटैग 19 में यहाँ पर रहेगा सिंचैन का स्क्वाड विद वन किल, या हैशटैग 20 में यहाँ पर क्लची का स्क्वाड रहेगा मॉर्निंग का स्क्वाड एंड विद जीरो किल्स, हैशटैग 21 पे यहाँ पे रहने वाला है कहीं ना कहीं नूप का स्क्वाड विद टू किल्स, या बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस टॉप फाइव टीम्स हम बात करें तो बीरा के स्क्वाड फाइनली चिकन डिनर कर चुके हैं। इसमें अलग अलग टीम्स हमने देखी है, तीन मैचेस हो चुके हैं कंप्लीट अलग अलग टीम। पहले मैच में ईरान गल के मैच में आरबीटी के स्क्वाड ने चिकन डिनर किया था, सेकंड मैच में दी मिक्स ने चिकन डिनर किया था, थर्ड मैच में ब्लैक वेब्स ने यहाँ पर चिकन डिनर किया था। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ऑल द टीम ऑल द प्लेयर्स, यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस था, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय देम। हैशटैग 2 पे यहाँ पर जरूर गॉडेस गल देगी, बट बेटर लक इन द लास्ट मैच ऑफ डे वन। यहाँ पे लास्ट मैच आने वाला गाइस विद इन अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, आफ्टर ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स अगला मैच जो कि वीकेंड डी में खेला जाएगा स्टोम मैप, यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट 3 मैचेस कंप्लीट हो चुके डे वन के ग्रैंड फाइनल्स के, यहाँ पे जो कि विराको कप गर्ल्स टूर्नामेंट है विच इज मैन ऑर्गेनाइज बाई डी ओ डब्ल्यू एंड कास्टेड बाई गॉड गेमिंग। नहीं गाइस मैंने किसी को टाइम आउट नहीं दिया, मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, किसी को टाइम आउट नहीं दिया ब्रो, किसी का टाइम आउट नहीं, टाइम आउट मैंने हटा रखा है जबकि मैंने टाइम आउट हटा रखा है, किसी का टाइम आउट नहीं है। बाकी जो गलत बोलेगा उसका खुद ही स्ट्रीम में नहीं दिखाएगा, ये तो करा हुआ है मैंने, मतलब अगर आप कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करोगे उसमें तो आपकी टीम आपके कमेंट्स किसी और को तभी दिखेंगे जब वो आपका कमेंट खोलेंगे, देखना चाहेंगे, शो करना चाहेंगे तभी वो देख सकते हैं। बाकी जो जिनको नहीं दिखना है वो नहीं दिखेंगे, उनको नहीं दिखेगा आपके कमेंट जो अब्यूजिव कमेंट होंगे। तो यही है बस, इससे ज़्यादा मैंने टाइम आउट का ऑप्शन मैंने हटा रखा इस टाइम पे। बट बिलियन मैच बाई थीम तीन मैचेस थ्री मैचेस का कंप्लीट एरिया डे वन का ग्रैंड फाइनल जो कि हमारा विराको कप गर्ल्स टूर्नामेंट का है, तो यहाँ पर डे टू में देखते हैं कौन चिकन डिनर करेगा। बट इससे पहले लास्ट मैच इज लव फॉर द डे वन, लास्ट मैच है डे वन का ग्रैंड फाइनल का, यहाँ पर देखा जाए वीकेंड डी यहाँ पे आई डी पासवर्ड आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तब तक स्टे ट्यून स्टे सेफ, तब तक इन्जॉय द स्ट्रीम, वी विल मीट सून आफ्टर ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स।
सो वंस अगेन वेलकम बैक टू स्ट्रीम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है पबजी मोबाइल विरागो कप गर्ल्स टूर्नामेंट एंड डे वन का लास्ट मैच। आप अगर बात करें हमारा डे वन का लास्ट मैच मैप बोला जाए तो मैप वीकेंड ही यहाँ पर रहने वाला। थ्री मैचेस आर ओवर, बैक टू बैक थ्री मैचेस आर ओवर फ्रॉम यर, बट देखते हैं टीम्स किस तरह से इस लास्ट मैच में अपना परफॉर्मेंस देने वाले, अपना लास्ट मैच में अपना गेम प्ले दिखाने वाले। बात करें तो ऑलमोस्ट पहले मैच में इरांकल का मैच जो हुआ था, आरबीटी के स्कॉट ने चिकनीना किया था। सेकंड मैच में दी मिक्स हमें देखने मिली थी, नई टीम जिन्होंने चिकनीना किया था। थर्ड मैच में एक और नई टीम देखने मिली, ब्लैक वेस्ट की टीम यहाँ पे जिन्होंने चिकनीना किया था। वी आर ऑन द लास्ट मैच ऑफ डे वन, देखते हैं इसके बाद कौन सी नई टीम, एक और टीम हमें देखने मिलेगी डे वन में, चौथी टीम कौन सी बनती है चिकन डिनर करने वाली, या फिर इन तीनों में से कोई एक टीम दोबारा सेकंड चिकन डिनर करने वाले। बट नज़र सभी टीम के ऊपर रहेगी, सभी टीम्स लगभग कुछ ना कुछ अच्छा गेम प्ले दिखा के कुछ ना कुछ करके आई यहाँ पर क्वालिफाई राउंड से। बट यहाँ पर सेकंड मैच जो कि वीकेंड ही करने वाला, तो ऑलमोस्ट 22-25 हमें मिनट्स लगेंगे हमारा एक ही क्वेश्चन का कौन सी टीम चिकन डिनर करेगी, तो उसका आंसर हमें कहीं ना कहीं 22-25 मिनट्स के अराउंड हमें मिलते हुए दिखेगा। बट वैनम की बात करें, वैनम एक लौती टीम नज़र आ रही है मिडवे ऑफ द जोन वीकेंड से फ्रॉम यर। बात देखते हैं टीम्स किस तरह से प्रेफरेंस करती है अपने, किस तरह से प्रीफर करती है जरा स्लॉट, किस तरह से प्रीफर करती है जोन में जाने का, किस तरह प्रीफर करती है ड्रॉप लेने का। बट टीम फोर की बात करें, टीम फोर यहाँ पर यूनाइटेड गर्ल का स्क्वाड है। अपोजिट टीम की बात करें, टीम थ्री का स्क्वाड नजर आने वाला है। टीम थ्री की बात कर ले, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कि हमारी दी मिक्स का स्क्वाड है, पहले भी चिकन निकाल चुके हैं, सेकंड मैच में चिकन निकाल किया था, बट इस मैच में देखते किस तरह चिकन डिनर करते। टीम फोर के स्क्वाड के बाद के टीम फोर विल दिया, टीम थ्री विल दिया, बट देखते कौन किसको एलिमिनेट करते दिखेगा इस मैच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, काफ़ी प्यारा मैच है, फोर वर्सेस फोर का सिचुएशन, गर्ल वर्सेस गर्ल है। लास्ट मैच ऑफ डे वन के लास्ट मैच में चिकन डिनर करते दिखने वाले, क्योंकि इसके बाद हमारा पहला दिन ओवर होने वाला, पहला दिन एंड होने वाला है। एंड वी विल बैक टुमारो एट 3 PM विद डे टू मैच नंबर वन जो कि इरांगल होगा, उसमें सेकंड सैंडॉक का मैप, थर्ड मैच जो कि हमारा होगा म्यांमार का मैप, चौथा मैच जो कि होगा हमारा ये जो कि हमारा होगा वीकेंड का मैप। तो कल भी सेम डे होगा, सेम मैचेस होंगे, सेम टीम्स विल बी देयर, बट डे विल बी डिफरेंट। बट देखते हैं कौन सी टीम आज के लास्ट मैच में चिकन डिनर करती है। इंपॉर्टेंट मैच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला सभी टीम से, बट काफ़ी प्यारा मैच देखने को मिलेगा हमारा। ऑलमोस्ट बात कर ले, ऑलमोस्ट हमारे साथ 21 टीम्स हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं अगर टीम 13 के स्कॉट की बात करें, टीम 13 यहाँ पे नैन्सी के स्कॉट की बात करें, नैन्सी की तरफ से फाइट लेती है यहाँ पे टीम 13 वर्सेस कहीं ना कहीं टीम 12 का स्कॉट फाइट देखने को मिल सकता है इस टाइम पे। टीम 13 की अगर बात करें, टीम 13 जो कि हमारी आज के बात करें डाउ हेलगल का स्क्वाड रहने वाला, पर डाउ का स्क्वाड रहेगा, फीमेल स्क्वाड है। देखते कैसे आज का लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस रहने वाला, क्योंकि डे वन का लास्ट मैच है। पहले भी यहाँ पर सेकंड टॉप फाइव में आए थे, दो बार आई थिंक टॉप फाइव में आ चुके हैं, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देख पाए अभी तक। लेकिन टीम फोर की बात करें, टीम फोर भी टीम थ्री के काफ़ी क्लोज नजर आ रही है। टीम थ्री के स्क्वाड की बात करें, टीम थ्री यहाँ पर दी मिक्स का स्क्वाड है, टीम फोर यूनाइटेड गर्ल का स्क्वाड रहने वाला है। बट काफ़ी अच्छा मैच, काफ़ी अच्छी टीम्स यहाँ पर रहेंगी जो कि फाइट लेते दिखेंगे इस टाइम पर। टीम थ्री वर्सेज टीम फोर है, टीम थ्री के बाद के तो कहीं ना कहीं कंपाउंड के अंदर, नीचे वाले कंपाउंड के अंदर होल्ड करेंगे, यहाँ पे लूट अप करेंगे। टीम फोर ऊपर वाले कंपाउंड के साइड यहाँ पर लूट करते, लेकिन फिलहाल काफ़ी अच्छा व्यू नजर आ रहा है जब से यहाँ पे वीकेंडी का मैप है, काफ़ी अच्छा मैप भी नजर आता है, स्नो मैप। यहाँ पे टीम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट ले सकती है इस मैच में, क्योंकि थोड़ा बहुत ओपन सा मैप नजर आता है। बट देखते हैं यहाँ पर टीम्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। टीम्स की अगर बात करें, ऑन दी अदर साइड अगर बात करें, यहाँ पर टीम 21 मिडल ऑफ द सर्कल वीकेंड स्टार्टिंग से मिडल ऑफ द सर्कल मूव अटैक के साइड यहाँ पर मूव ऑन किया था उन्होंने, बट काफ़ी अच्छा साथ दिया उन्होंने जोन का, बट लास्ट तक देते क्या जोन साथ दिखेगा, साथ देते दिखेगा कि नहीं। यहाँ पर डाउन एनसी की बात करें, डाउन एनसी काफ़ी क्लोज आएंगे इस टाइम पर, बट देखना होगा डाउन एनसी की तरह से किल्स निकालते कैसे परफॉर्म करते इस वाले मैच में। लास्ट मैच में ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस मैच के बाद आज का फाइनल्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे। डे वन के फोर मैचेस विल बी क्लियर आफ्टर दिस मैच, बट ओआरटी के स्कॉट के बात करेंगे, ओआरटी दूसरे साइड फाइट लेंगे इस टाइम पे, एंड ओआरटी के स्कॉट की बात करें दूसरे साइड फाइट लेते हुए भी दिख रहे हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच उनके लिए भी होने वाला है। ओआरटी की बात करें, ओआरटी के स्कॉट जो कि हमारे फोर फीमेल स्कॉट रहेगा, बात करेंगे सबसे किस निकालते हैं यहाँ पे दिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक नॉक रहेगा रिमी, यहाँ पे नॉक डाउन नहीं, यहाँ पे एक हो प्लेयर नॉक होगा इस टाइम पे, बिहान ओप जो कि नॉक रहेंगे इस टाइम पे। अगर अपोजिट टीम की बात करें, यहाँ पर टीम एट के स्कॉट यहाँ पे जाएगी, टीम एट की बात करें पिछले मैच में काफ़ी जल्दी हेलमेट हो गए थे, बस इस मैच में देखना होगा किस तरह से बॉस के साथ से किल्स करते हैं, किस तरह से कम बैक करते हैं इस मैच में,
टीम नंबर एट या टीम एट की बात करेंगे, टीम एट फाइट लेंगे इस टाइम पर, टीम एट वर्सेस टीम टेन या टीम टेन। आई गेस यहाँ से ओ आर टी किन थोड़ा बहुत बैकवर्ड में रहेगा, ब्लीड्स ओपी काफी क्लोज, सोनाली वाई टी भी यहाँ पे आई थिंक नॉकडाउन रहने वाली इस टाइम पे, लेकिन देखते हैं सिंचैन और सिंचैन वर्सेज टीम टेन का एक प्लेयर यहाँ पे मैविन और सिंचैन यहाँ पे फाइनल, सिंचैन विल बी एनिमेटेड फॉर्म या एम टीम टेन। टोटल एक एक किल्स निकाले सभी प्लेयर्स ने, टोटल एक एक किल्स यहाँ से निकाले, तो किल्स के बाद करें तो काफ़ी अच्छे किल्स निकाले। बाज के बाद के बाद की स्कॉट दूसरी साइड नॉक निकाली, यहाँ पे देखना कितने हॉट किल्स यहाँ से निकालते दिखेंगे वो भी बाज की बात करेंगे। बाज का स्कॉट टीम नंबर 22 का स्कॉट के बाद यहाँ पे नॉक निकालेंगे, कितने किल्स यहाँ से निकालने वाले फिलहाल यहाँ पे देखा जाए टीम नंबर 10 के तरफ, यहाँ पे अपनी निगाहें गाड़ के बैठेंगे, अपने गन्स को अपने स्कोप को यहाँ पर गाड़ के बैठेंगे। बट देखते हैं टीम 22 कितनी जल्दी ओ आर टी के स्कॉट को कंफर्म करते हैं, ओ आर टी में कंफर्म होंगे। अब यहाँ से कहीं ना कहीं मैरविन जो कि सर्वाइव करती दिखेंगे इस मैच में, इस मैच के लास्ट मैच है, D1 के लास्ट मैच है, बट यहाँ से काफ़ी अच्छा मैच जा चुका है ऑलरेडी। ओ आर टी का काफ़ी अच्छी मैच निकाले थे बट अभी तक एक भी चिकन डिनर नहीं करे इन्होंने, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है टीम टेन ऑन द बैक फुट। टोटल एक प्लेयर जो कि ब्लीड आउट हो रहा है किसी भी पल किसी भी क्षण में वो एलिमिनेट, फिलहाल वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। फिलहाल एक प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करेंगे टीम टेन वर्सेज टीम टू है, टीम टू कहीं ना कहीं ऊपर से यहाँ पे किल्स निकालने की कोशिश करें, किल्स चुराने की कोशिश करें एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि टीम 22 4 फीमेल स्क्वाड है, टीम नंबर 10 1 सिंगल फीमेल स्क्वाड है, एंड टीम 10 के बाद के मार्विन किस तरह से यहाँ से किल्स निकालती है, किस तरह से इस मैच में अब सेफ खेलते दिखेंगे यह देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पर। लेकिन टीम 10 यह विद अ फोकल 2 कैजुअल्टी मिल चुके हैं, एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन, यहाँ पर टीम 22 यहाँ पर स्टिल मौजूद है, बट ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। बाज आशी की तरह से किल्स निकालती है टीम 22 की स्क्वाड जो कि हमारी आज की BMX क्वीन की स्क्वाड है, काफ़ी कंफर्म करते दिख रही है फिलहाल यहाँ पे बात के आरसी के खाते में किल कंफर्म होते दिखेगा, एक प्लेयर जो कि नॉकडाउन था वो भी यहाँ से कंफर्म होने वाले फिलहाल। ORT का स्क्वाड टोटली वीकेंड से ऑन द बैक फुट नजर आएगा, यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से सिचुएशन से फॉल बैक करना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन अगर फॉल बैक करते हैं तभी इस लास्ट मैच में D1 के लास्ट मैच कभी तभी यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हासिल करने वाले, लेकिन अगर यहाँ पर एलिमिनेट होते तो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी बहुत मुसीबतें आ सकती है इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में, क्योंकि इसके बाद 4 मैचेस आ रहे हैं, फिफ्थ आज का 4th मैचेस कंटिन्यू यहाँ पे देखा जाता है, बट 4 मैचेस जो कि D2 के तरह से कमबैक करती हैं टीम्स जो कि आज के मैच में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा मिला उनकी तरफ से, बट आई गेस टीम 10 विल मूविंग फ्रॉम या टीम 18 की बात करें, टीम 18 यहाँ पे फाइट लेंगे, टीम 18 की स्कॉट की बात कर ले, यहाँ पर सिस्टर 6 की स्कॉट की टीम यहाँ पर दूसरे साइड फाइट लेते हुए दिखेंगे, यहाँ पर देखने इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से वो फाइट लेते हैं, टीम 18 या स्कॉट कैसे फाइट लेते हुए दिखेगा यहाँ पर, टीम 18 वर्सेज टीम 17 में फाइट देखने मिलेगा, टीम 18 सिस्टर 6 के यहाँ पे एमी ड्रू काफी क्लोज है, टीम नंबर 17 मूवी मूविंग फॉर्म है यार, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस तरह से वो जोन के अंदर जाते हैं, जोन का परफॉर्मेंस लेते हैं, किस एरियाज में वो जाते हैं ये देखना काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए टीम 20 को स्कॉट का देखा जाए, टीम 20 यहाँ पर कुल यूनिकॉर्न का स्कॉट है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल मिड ऑफ सर्कल वीकेंड से, लेकिन टीम 3 के स्कॉट के बाद D-Mix का स्कॉट यहाँ पर कैथरीन की तरफ से एक नॉक देखने मिलेगा, कैथरीन यहाँ पर नॉक टिकाएंगे किराटिन की बात करें, किराटिन और कैथरीन वीकेंड से, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम की बात करें टीम 3 की स्कॉट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक नॉक यहाँ पर देखने मिला है, बट देखते हैं कि फाइट लेंगे टीम नंबर 11 के स्कॉट यहाँ पर, टीम 11 का स्कॉट यहाँ पर एक नॉक यहाँ पर टीम 11 की तरफ से, बट काफ़ी प्यारा नॉकडाउन यहाँ पर देखने मिला, काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट थी, काफ़ी प्यारी फाइट थी, जोन क्लोज होगा इस टाइम पर, बट आई थिंक टीम नंबर विल बी एलिमिनेटिंग टीम नंबर 3 यार, बट देखना होगा यहाँ पे कौन सी टीम एलिमिनेट करती है, टीम नंबर 11 की बात करें टीम 11 स्टिल जा यहाँ पे फाइनली टीम 3 ऑन द बैक फुट नजर आ रही है, टीम 11 की बात करें टीम 11 के स्कॉट की अगर बात करें टीम 11 के यहाँ पे कहीं ना कहीं नूबी है, यहाँ पे तीनों प्लेयर्स यहाँ पर सर्वाइव करें, यहाँ पे 8-bit MC क्वीन सर्वाइव करी इस टाइम पे, बट टीम नंबर 11 विल बी मूविंग टू अ जोन, यहाँ से जोन करना चाहूँगा MC क्वीन को कन्फर्म करेंगे, यहाँ पर टीम 3 की बात करते हैं टीम 3 LI और TMX अंकिता स्टिल सर्वाइव करी इस मैच में, बट आई विल बैक गाइड स्ट्रेट अ सेकंड।
तो फिलहाल बात कर ले टीम 19 यहां से कोपिया इनका कंफर्म हो चुका है। टीम 19 टीम 19 वर्सेस टीम 19 नैंसी वर्सेस नहीं और नैंसी अभी उसके बट यहां पे नैंसी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर एंड टीम बी लैक स्क्वाड यहां पे कास्ट है ब्रो। आपकी आवाज कहां गई ब्रो? मैं थोड़ा गया था बाहर, गया था कॉल आई थी बट यहाँ पर देखा जाए टीम ऑलमोस्ट 92 प्लेयर स्टिल सर्वाइविंग। इतना शाम क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गाइस मैं इस टाइम पर होल्ड कर रहा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है इस टाइम पर, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। तो मिलते हैं कल गाइस एट सेम टाइम। तो आई एम स्टॉपिंग एट द लास्ट मैच ड्यू टू सम रीजन, तो आई विल बैक टुमारो एट 3 PM विद D2। तब तक के लिए यहाँ पर इंजॉय दिस टीम, पुराना टीम।